हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब आप बोलेंगे, सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, पर्टिकुलर डेफिनेशन है और उनके एग्जाम्पल हैं जो पूछे जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं. बाकी आपको इस चैप्टर में से काफ़ी सिलेक्टिव पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है. इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका कंटेंट कम है और इसकी जो आने की एक्यूरेसी है, क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं. समझते हैं. पहली चीज़ है, व्हाट इज़ लाइफ स्पान? लाइफ स्पान इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. हमारे जीवन से लेके जब हम पैदा हुए हैं, बर्थ से लेके जो हमारी नेचुरल डेथ है, तब तक के जो एज होती है, उसको हम लाइफ स्पान बोलते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना? लाइफ स्पान जो होता है उसमें जनरली चार स्टेज इंक्लूड की जाती हैं. फर्स्ट वन इज जुवेनाइल. जुवेनाइल फेज का अगर मैं मीनिंग बताऊं, एग्जैक्ट इसका मतलब बताऊं, तो ये वो फेज है जहां पे एक बर्थ होने के बाद जो उसका रिप्रोडक्टिव फेज है, उसके बीच के टाइम को हम हमेशा जुवेनाइल, या फिर जैसे बच्चों के लिए हम बोल नहीं देते जुवेनाइल फेज वाला, तो ये वही चीज है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी. मैच्योरिटी वी ऑल नो कि हम हमेशा चीज़ें बोलते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो, बिहेव मैच्योर. सेकंड स्टेज है मैच्योरिटी, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है. इसके बाद थर्ड आती है एजिंग एंड सेनिसेंस. एजिंग एंड सेनिसेंस यानी कि अब उम्र आपकी बढ़नी चालू हो रही है, अब आपकी उम्र जा रही है. अब जैसे मान लीजिए जुवेनाइल फेज में प्री रिप्रोडक्टिव है, 13 ईयर तक मान लो, 13 के बाद आपका मैच्योर फेज चालू हो रहा है, और मैच्योर फेज आपका एक्टिव रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है, सपोज लेट से 30 साल तक है, 30 के बाद की जो प्रोसेस होगी, या 40 तक है, तो 40 के बाद की जो प्रोसेस होगी, तो उसको मैं बोल दूंगा कि एजिंग, और उसके बाद सेनिसेंस. सेनिसेंस मतलब आसान भाषा में आप बुढ़ापा मान के चलिए. एंड अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ इज डेथ. अब क्या होता है कि जो लाइफ स्पान है उसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं कि आपसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पान पूछ लिया जाता है, और आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो सारे हर हालत में याद होने चाहिए आपको. एनसीईआरटी वाले आपको सब याद होने चाहिए. ये उससे एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताए हैं. फर्स्ट है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्यू मिनट से लेके फ्यू आवर तक जो है उनकी लाइफ होती है. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, मैंने मे फ्लाई की बात की, एक दिन साइकेड, एक दिन बटरफ्लाई, 1 से 2 वीक राइस प्लांट एनसीईआरटी है, याद होना चाहिए. ये भी शायद उतना नहीं दिख रहा है, ग्रीन दिखेगा क्या? तो यही चीज है, आपको कुल मिला के यहाँ पे ये समझना है कि हमको सिर्फ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी लाइफ स्पान इतनी है. बटरफ्लाई, राइस प्लांट, वीट प्लांट, वीट भी 5 मंथ से आसपास ही है, रेड 4 ईयर्स, रैबिट 13 ईयर्स, काऊ की मैं बात करूँ 25 ईयर, काऊ दिया हुआ है, बनाना ट्री दिया हुआ है 25 ईयर, मंकी नहीं दिया 26, डॉग 25. डॉग में कॉन्ट्रोवर्शियल आ जाएगा कि सर हमने तो 14 पढ़ी है, 14 ईयर्स के आसपास ही डॉग को बोला जाता था, लेकिन अब अगर मैं बात करूँ रिवाइज्ड जो डेटा है वो 20 या 20 से ज़्यादा की ही बोलता है, सेम कैट की 35 से 40 ईयर्स, वेल की अगर मैं बात करूँ 37, हॉर्स की 50 ईयर्स, हॉर्स दिया हुआ है, एलिफेंट दिया 60-70, ईगल 90, मैन 100, एंड दिस एज इज वेरिएबल. अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ ह्यूमन की एज एक्सपेक्टेंसी की, तो इंडिया में वेरिएबल है, न्यूजीलैंड में अलग है, जापान में अलग है, और अमेरिका में अलग होती है. लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा आप मान लीजिए कॉन्ट्रोवर्शियल समझ लीजिए या कुछ इस टाइप का, 80-100 ईयर्स ही एक्सपेक्ट किया गया है कि जो ह्यूमन की एज है वो 80-100 ईयर्स के बीच में ही आनी चाहिए. पैरट की बात करें, पैरट दिया एनसीईआरटी में 140 है, टॉर्टोइस दिया एनसीईआरटी में 100-150 है, बनाना ट्री की बात करें 200-300 ईयर्स, सॉरी बनियान ट्री की, बनाना हो चुका है. पीपल की बात करें 2000 से 3000 ईयर की होती है. सिकोया जो है, रेड वुड ट्री भी बोलते हैं इसको, 3000 से 4000 ईयर्स इसकी एज होती है. और लेरिया ट्राइडेंटा, इसकी बात करें 11,300 ईयर्स इसकी एज है. और लोमेंटिया तस्मानिका 43,000 ईयर्स इसकी एज है. तो ये सिंपल हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पढ़े, उनकी डिफरेंट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो नॉर्मल एज है, उसको हमने पढ़ा.
आपको क्या समझना है, अब आपको जो मिनिमम एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं वो सारे आने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया इसको जरूर लाइक करें, थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में जब हम चैप्टर बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑब्वियस सी बात है वी शुड नो दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। एक बेसिक डेफिनेशन है ये चैप्टर की, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी बेसिक नॉलेज को नरिश करेगा, आपकी बेसिक जितनी भी नॉलेज है उसको पॉलिश करेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्फ। सीधी सिंपल बात है, जहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही तरह यंग वंस को जन्म देंगे, पैदा करेंगे, दिस इज रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक फीचर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए सिंथेसिस क्यों, किस टाइम हो रहा है, जब सेल डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा सेल है उसको भी तो अपना जेनेटिक मटेरियल चाहिए ना, प्लस डिवाइड होने के लिए प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऑल आर देयर, ठीक है ना। तो आरएनए सिंथेसिस, डीएनए भी रहता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जस्ट इसके नीचे दिया हुआ है। तो ये तीनों प्रोसेस कोई ऐसी नहीं है कि सेक्रेड हो, जो हमने पढ़ी थी ना रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सेक्रेट प्रोसेस नहीं है, ये एक के बाद एक होने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। और प्रोकैरियोट की बात करूं तो उनमें तो सब लगातार ही चलता है। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। जैसा कि मैंने बताया, जो सेल है जब अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो अच्छे से कॉपी कर लेगा तो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो नए सेल बनते हैं, ये जो नए सेल बने हैं ये क्या करेंगे, ये साइज में ग्रो करेंगे, ग्रोथ शो करेंगे, साइज में ग्रो करेंगे, ये दोनों के दोनों सेल ग्रोथ शो करेंगे, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ठीक है ना। जब ये एक्चुअली में इसको अगर समझो तो इससे पहले मैंने अभी तुमको क्या समझाया था, मैंने समझाया था ना जुवेनाइल फेज आएगा, तो जो ग्रोथ वाला फेज होता है उसको तुम जुवेनाइल फेज की तरह ही आप ट्रीट करें, और जो मैच्योरेशन या रिप्रोडक्टिव फेज था उसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो है मैच्योर होंगी, फॉर्म होंगी, ये वही स्टेज है। तो कुल मिला के ये सब हमसे रिलेटेड है सारी चीज़ें, सिर्फ हमसे ही नहीं, ये ब्रॉड टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी लाइफ है सबसे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट। जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग में नया इंडिविजुअल आया था एग्जिस्टेंस में, उसी तरह से लास्ट जो है, क्योंकि एक साइकिल है, तो साइकिल में क्या होता है, अगेन सेम चीज़ पे हम दोबारा लौटेंगे, तो सेम चीज़ होगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल होगा जिसके लिए सेम यही प्रोसेस होंगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेल डिवाइड होता है उसमें ये दोनों प्रोसेस अपने आप ही आ जाती हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखने के आसान तरीके समझा रहा हूँ। सेल डिवाइड होता है, ये पहली एक बेसिक स्टेप है, उसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ग्रोथ, ग्रोथ जो है उसमें उसके बाद की दोनों स्टेप आ जाएंगे, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उनकी मदद से रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन मतलब वही कि अपने जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म ले आएगा, दैट्स इट। तो कुल मिला के एक सेल डिवीजन और ग्रोथ ऑफ द सेल, ये दोनों में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, बहुत बेसिक है, बचपन से पढ़ा है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। यहाँ पे जो ए है, ए इज फॉर एब्सेंट ऑफ सेक्सेस। सेक्स मतलब क्या था, एक मेल था और एक फीमेल था, उनकी एब्सेंस है। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट है जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फ्यूजन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के एक सिंगल पेरेंट जो है वो एक यंग वन को बर्थ दे रहा है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ भी ऐसा नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, ये सब हमारी बेसिक नॉलेज जो हमेशा से थी उसी को नरिश किया जा रहा है, उसी को थोड़ा सा एक पॉलिश किया जा रहा है, पॉलिश करना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट है एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, यूनिपेरेंटल कंडीशन, यानी कि जैसे कि अब मैं बाइनरी फिशन की बात करूं, मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये इस तरह से एक सिंगल पेरेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल बना लेता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको किसी और एनिमल की साथ वाले एक सपोर्ट करने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, सिंपल एक सिंगल पेरेंट है, यूनिपेरेंटल कंडीशन। नेक्स्ट, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म। आपने अभी देखा कि गैमीट्स की यहाँ पे कोई जरूरत
नहीं थी। नेक्स्ट, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। अब देखो ये सब एक दूसरे से लिंक है, कुछ भी रटने का नहीं है। जैसे कि गैमीट्स ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। गैमीट बनते हैं, स्पर्म बनता है, एग बनता है, वो फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें बनी ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? सिंपल है। देयरफॉर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को ए गैमोजेनेसिस और ए गैमोजेनी भी बोलते हैं, शायद कभी एमसीक्यू में काम आ जाए। ओनली माइटोटिक सेल डिविजन, माइटोटिक मतलब होता है सिंपल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। आपने ये देखा होगा, इस हिसाब से ही माइटोटिक और मियोटिक चीज़ें समझाई जाती हैं। ये आगे जो टू लगा है वो प्लॉइडी लेवल बता रहा है, यानी कितने का ग्रुप है क्रोमोसोम का, कितने का सेट है क्रोमोसोम का। दिस इज माइटोसिस, सिंपल डिवीजन होता है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से देखने लायक समझने लायक नहीं होता। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज मेड ऑफ वन और मोर सोमेटिक सेल। जो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जिनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एक या एक से ज़्यादा सोमेटिक सेल हो सकते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैंस सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। कुल मिला के आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम बेसिक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ, डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइज वाई। और दूसरा भी यही समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैपिडली होता है, बहुत जल्दी होता है। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं जिस पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। सो व्हाई दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दिस इज सिंपल स्प्लिटिंग अप। ये सिंपल क्या है? स्प्लिटिंग अप, स्प्लिट हो जाना। और क्योंकि स्प्लिट हो रहे हैं तो यहाँ पे अब देखो, जब भी जेनेटिकली आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो दो बने हैं इन दोनों का डीएनए सेम है, इसका भी डीएनए सेम है और इसका भी डीएनए सेम है, ये दोनों एक जैसे ही है, सिमिलर हैं ये दोनों। ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं। ये दोनों डॉटर सिमिलर हैं, सेम है, एकदम एक जैसे, एक दूसरे क्लोन समझ लो, फोटोकॉपी समझ लो। सवाल ये उठता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गैमीट नहीं बना है। गैमीट बनते हैं तभी तो एक पेरेंट का कैरेक्टर दूसरे पेरेंट कैरेक्टर से फ्यूज होता है और उसके बाद चीज़ें अलग। यहाँ तो सिंपल एक ही चीज़ है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी। आप ये देख के चलो ना, एक पेपर है, सिंपल पेपर लिया आपने, दो पार्ट्स में फाड़ दिया, पेपर तो पेपर ही रहेगा ना, काय का कॉम्बिनेशन। जैसे पहले था वैसे अभी भी पेपर है, कोई चेंज नहीं आया उसमें। सेम ये हो रहा है, एक पेपर है आपने बीच में फाड़ दिया दो हिस्सों में, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इक्वल है। तो यही चीज़ें हैं समझने वाली। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना अभी तक आपने पढ़ा मोर देन इनफ है। इसके बाद आगे की चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर्टिकुलरली हमने जो डेफिनेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उसको कवर कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है फिजन। फिजन की अगर मैं बात करूं, फिजन शब्द का मतलब होता है क्लेफ्ट, ठीक है ना। दिस इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इंटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स। यानी कि एक पेरेंट बॉडी है और उस पेरेंट बॉडी में से ये पेरेंट बॉडी है, ये या तो दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाएगी, दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी, या तो मल्टीपल बहुत सारे में ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसी को हम फिजन या फिर सिंपल ब्रेक डाउन होना बोलते हैं। फिजन की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सा है बाइनरी फिजन। बाइनरी शब्द का मतलब है, देखो बाइनरी फिजन मतलब तो वही ब्रेक डाउन है, बाइनरी जो है उसका मतलब है यहाँ पे टू, ठीक है ना, दो से। तो देखो, इन दिस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है डिवाइड इनटू टू हिल्स, जो दो आधे टुकड़े हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 9th class में पढ़ने वाली बात है, 9th-10th में हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आप बेसिक चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जो ईच हाफ है, फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। जो ईच पार्ट है, जो एक नया पार्ट बनेगा, वो खुद ही अपने आप में एक नया इंडिविजुअल होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म होगा। मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ के आए।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सिंपल बाइनरी फिजन होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन जिसको हमने नाम दे दिया, जो कि किसी भी प्लेन में हो सकता है. नाउ व्हाट इज प्लेन, इस शब्द को हम जरा अच्छे से समझते हैं. प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो बेसिक चीज़ है वो समझ में आना चाहिए. किसी भी प्लेन का मतलब ये है, ये चाहे तो ऐसे डिवाइड हो जाए, ये चाहे तो ऐसे डिवाइड हो जाए, ये चाहे तो ऐसे डिवाइड, किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. दिस इज बाइनरी फिजन और ये बेसिक फॉर्म है, सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्म की अगर मैं बात करूँ. नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन. इफ वी टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन इन दिस प्रोसेस, अब नाम से क्या पता चल रहा है, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मैनी, बहुत सारे, ठीक है ना. यानी कि फिजन होने के बाद जो डॉटर्स बनेंगे, यहाँ पे डॉटर दो बन रहे थे इसलिए बाइनरी, अब यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे तो मल्टीपल. तो देखो, द पेरेंट बॉडी डिवाइड इंटू मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. अच्छा, प्लाज्मोडियम अगर मैं एग्जाम्पल ना दूँ तो मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ा है, अगला कोई एग्जाम्पल बताओ. अगला जो एग्जाम्पल आप इसमें दोगे प्रोटोजोआ का दे सकते हैं, सॉरी. नेक्स्ट प्लाज्मोडियम की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मोडियम में मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि एक पेरेंट सेल है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्ट बन रहे हैं. बहुत सारे सिस्ट मतलब क्या होता है, अगेन सिस्ट जो वर्ड है वो एक्चुअली में एक कैविटी से डिस्क्राइब्ड होता है, ठीक है ना. सिस्ट मतलब यहां पे क्या हो जाता है, एक तरह की कैविटी, है ना. तो वो कैविटी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई. देखो ये जो बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, जैसे ये सेल ब्रेक होगा ये सारे न्यूक्लियाई बाहर निकल जाएंगे और इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टीपल फिजन. अब क्यों शब्द आया मल्टीपल फिजन, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो बहुत सारे होंगे, मोर देन वन, मोर देन टू, बहुत सारे, 10, 20, 100, 1000 कितने भी हो सकते हैं, इसलिए इसको हमने नाम मल्टीपल फिजन दिया है. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट बाइनरी तो बहुत ही अच्छे से हम कई बार पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज बडिंग. बडिंग भी हम जानते हैं हाइड्रा वगैरह में होती है, ईस्ट में होती है, ठीक है. तो बडिंग में डॉटर इंडिविजुअल जो है फॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ बड, जो कि अपने ही पेरेंट बॉडी से अराइज होता है. यानी कि जो डॉटर इंडिविजुअल है वो अपने ही पेरेंट बॉडी पे एक बड की तरह निकलता है. अब इसी को विजुअलाइज करने के लिए आप देखो नेक्स्ट डायग्राम. ये देखो ये पेरेंट बॉडी है और पेरेंट बॉडी से ये एक बर्ड के फॉर्म में निकलने की कोशिश कर रहा है. ये देखो हर स्टेज पे चेक करो और जैसे ही वो डिसेंट बर्ड बन जाएगा उसके बाद देखो ये डिटैच हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, डिटैच हो गया, ब्रेक हो गया अपनी बॉडी से और ये इसने एक नया इंडिविजुअल बना लिया. इसी प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं. हाइड्रा और ईस्ट इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, बचपन से हम इन एग्जाम्पल को पढ़ते हुए आ रहे हैं. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे एक पेरेंट बॉडी है वो बहुत सारे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो हर पीस है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा. दिस इज फ्रेगमेंटेशन. आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि प्लेनेरिया जो है वो सिंपल एक नॉर्मल प्लेनेरिया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और वो सारे के सारे अलग पार्ट्स एक अपनी खुद की प्लांट बॉडी बना रहे हैं, सॉरी प्लांट बोल दिया मैंने, लेकिन खुद की एनिमल बॉडी बना रहे हैं. तो क्या हुआ, फ्रेगमेंट. फ्रेगमेंट शब्द का मतलब होता है टुकड़ों में बिखर जाना. जैसे कि आपके हाथ से कोई चीज़ गिरे, खिलौना वगैरह होता है, जैसे ही ज़मीन पे गिरता है पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है. यहाँ पे भी वही है, ये प्लेनेरिया है, अलग अलग पार्ट्स बना रहा है और जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. दिस मेथड इज सिंपल फ्रेगमेंटेशन. ये चीज़ समझे. नेक्स्ट जेमा फॉर्मेशन यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर प्रोपेग्यूल्स होते हैं दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. यानी कि या तो यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर प्रोपेग्यूल्स हैं. अगर बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझाऊं तो ये और ये सेम है, एकदम सेम है. देखो डायग्राम से समझते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, आपके MCQ सही करवाना. MCQ सही करने के लिए ये जेमा फॉर्मेशन का एक्चुअल ओरिजिनल डायग्राम है जो कि मिला था मुझे. तो ये ओरिजिनल डायग्राम है, इसको पहले एक बार देख लो. इसके बाद जरा ऊपर पहुंचते हैं तो ये मेन बॉडी है. ये बॉडी जो है, अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, दो फ्रेगमेंट बन रहे हैं. एक नीचे का जो पोर्शन है वो डिके हो रहा है, उसके बाद ऊपर का जो पोर्शन है वो दो फ्रेगमेंट बना रहा है. ये देख रहे हो ना, फ्रेगमेंट नंबर 1, फ्रेगमेंट नंबर 2, ये 1 और ये 2, ठीक है ना. ये चीज समझ में आई ना. तो ये दोनों जो है, नीचे की बॉडी डिके हो गई,
ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए और दोनों ने अपनी एक अलग बॉडी बना ली। तो जेमा फॉर्मेशन एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको आप फ्रेगमेंटेशन का ही एक तरीके से एग्जाम्पल मान लीजिए, बहुत आसानी होगी चीज़ें समझने में। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन की बात करूँ तो रीग्रोथ इन द इंजर्ड रीजन। मान लीजिए अब यही फर्क है फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में भी, कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंजर्ड एरिया है। जैसे कि आपने देखा होगा छिपकली की जो पूंछ है गिर जाती है दोबारा आ जाती है, ये आपने कभी सुना होगा। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी के एक पार्ट को गिरा लेते हैं और वो दोबारा से उगाता है। शायद आपने स्टारफिश वगैरह और इन सब के नाम सुने होंगे। तो दिस इज रीजनरेशन। नाउ व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि बॉडी डिवाइड हो रही है और नया पूरा ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो लॉस्ट पार्ट है उसको रीजेनरेट किया जा रहा है, उसको वापस लाया जा रहा है। दिस इज रीजेनरेशन, रीजेनरेट करना, दोबारा से जनरेट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्पोर फॉर्मेशन एक बहुत ही अच्छा मेथड है। दिस इज रीजेनरेशन एग्जाम्पल। स्प्लेनेरिया भी उसका एग्जाम्पल है, हाइड्रा भी उसका एग्जाम्पल है, स्टारफिश की मैं बात कर रहा था वो भी इसका एग्जाम्पल है। नाउ स्पोर फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि नहीं आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कम लोगों को आता है। स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, स्पोर आर मिनट सिंगल सेल थिन और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स, या सिंपल प्रोपेग्यूल अगर आपको समझ में ना आए ना तो इसको आप पार्टिकल याद रखा करो। यानी कि थिन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मिनट पार्टिकल्स हैं, और या तो थिन होंगे या तो थिक वो वॉल्ड होंगे और सिंगल सेल होंगे, ठीक है ना। दे आर डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर। डिस्पर्सिव मतलब फैलने वाले, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैलने वाले। जैसे ही जहाँ पे जो छोटे छोटे डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे लैंड करेंगे वहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म, जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म का स्पोर था वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ये बेसिक उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, अल्गी में, फंजाई में कॉमन होते हैं। मोटाइल स्पोर की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें जू स्पोर का नाम दिया जाता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन मोटाइल स्पोर जो है स्पोरेंजियो स्पोर और कोनिडिया, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, एग्जाम्पल आपका देखा हुआ होगा, दिस इज स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे स्पोर्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखो डिस्पर्स, ये इस तरह से होते हैं कि जहाँ भी उड़ के जाएंगे, जहाँ पे भी लैंड करेंगे, वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल चालू हो जाएगा ग्रो करना। न्यू ऑर्गेनिज्म जो है, न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा, और इसी मेथड को हम रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्पोर रिलेशन और स्पोर फॉर्मेशन को और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि बड़ी क्लासेज में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पोर फॉर्मेशन आपको अच्छे से आता हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम स्पोर फॉर्मेशन को डिटेल में समझेंगे। अगर मैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, देयर आर टू काइंड ऑफ स्पोर्स, वन जो मोटाइल होते हैं एंड द अनदर वन देयर आर नॉन मोटाइल्स, जो मोटाइल नहीं होते हैं, जो बिल्कुल भी मोटिलिटी शो नहीं कर पाते हैं। तो जो मोटाइल होते हैं वो क्यों मोटाइल होते हैं, और जो नॉन मोटाइल हैं क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो मोटाइल नहीं है, इस चीज़ को ज़रा हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम में आप ध्यान से देख पाओगे कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे बर्ड टाइप के हैं, लेकिन कुछ भी फ्लैजेला टाइप की फैसिलिटी इनके अंदर नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज जू स्पोर्स। जू स्पोर की बात करूं तो सबसे पहले जू शब्द का मतलब क्या होता है? स्पोर मतलब तो वही स्पोर होते हैं पहले। अच्छा, अगर जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आई दैट व्हाट इज स्पोर, ये मैं समझाता हूं। स्पोर अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे बेसिक डेफिनेशन है ये चीज समझाने की कि ये एक्चुअली में एक तरह का गैमीट है, ठीक है ना। अब जिन लोगों को ये नहीं पता दैट व्हाट इज गैमीट तो समझाता हूं। क्या होता है, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो चाहे कुछ भी टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहे हों, जैसे कि अगर मैं स्पोर की बात करूँ, एसेक्सुअल है ना, सेम ऐसे ही मान के चलो हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो स्पोर की जगह स्पर्म और एग ले लेते हैं।
बस अब क्या होता है, बेसिक एक बेसिक आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि जो ऑर्गेनिज्म है उसे रिप्रोड्यूस करना है, अपनी ही तरह एक और इंडिविजुअल इस दुनिया में लेके आना है, ये टारगेट है। अब क्या करते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनने एक बर्ड बनाया और उसके अंदर उनने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया और इस टाइप का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मिनट पार्टिकल्स हैं जिनको हम नाम दे देते हैं स्पोर। अब जैसे ये बस्ट होगा ये हवा में फैल जाएंगे, और जहां भी जमीन पे लैंड करेंगे, जिस भी जगह ये जमीन पे लैंड करेंगे वहां पे एक नया इस टाइप का ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्पोर। तो स्पोर क्या होते हैं, जहां पे भी उड़ के गिरेंगे वहां एक जमीन पे जो भी फेवरेबल कंडीशन होंगी, फेवरेबल कंडीशन में एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। नाउ अब हम जो समझ रहे थे उसको आगे समझते हैं। दैट व्हाट इज जू स्पोर। जू मतलब होता है मोटाइल। जू शब्द का मतलब क्या है, मोटाइल, चलने योग्य। स्टार्ट करते हैं। जू स्पोर आर स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड। कैसे हैं, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। मोटाइल कहाँ है ये देखो, फ्लैजिला कहाँ है ये रहा। अब क्योंकि फ्लैजिला है तो जो फ्लैजिला है उनको मूवमेंट में हेल्प करेगा, इसीलिए तो इनको नाम दिया गया है दैट दे आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड। और जो इनकी मोटेलिटी है, जो इनका मूवमेंट है, वो किसकी मदद से हो रहा है, फ्लैजिला की मदद से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, दे आर जनरली नेकेड। ठीक है ना, विदाउट सेल वॉल। आपने अभी देखा कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सेल वॉल नहीं है, देखो कोई सेल वॉल नहीं, सिंपल फ्लैजिला है जिनकी मदद से मूवमेंट होता है, और यहाँ पे कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, तो फ्लैजिला हेल्प टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड प्रॉपर डिस्पर्जल। अगर एक्वेटिक हैबिटेट में ये हैं तो वो फ्लैजिला मूवमेंट में, स्विम करने में हेल्प करेगा, और डिस्पर्जल यानी कि दूर तक जाने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्पोर बनाया है यानी कुछ तो दिक्कत थी ना, तो जहाँ पे दिक्कत है उस एनवायरमेंट से दूर जाने के लिए फ्लैजिला है। द रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर अकर इन सम लोअर फंजाई, एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटिस। फाइको में एकाइला, एक्लेया, स्पोरेलिंजिया, अल्बुगो और फाइटोप्थोरा और बहुत सारे अलगी के एग्जाम्पल हैं, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। आपको जो याद रखना है, अलगी के एग्जाम्पल प्लस अल्बुगो और फाइटोप्थोरा, बस दो फंजाए दो अलगा, दैट्स इट। कोनिडिया की अगर मैं बात करूँ तो पेनिसिलम में बनता है। पेनिसिलम, जैसा कि आपने नाम सुना है, पेनिसिलम एक बहुत ही कॉमन नाम है, और अदर एस्कोमाइसिटीज में बनता है। कोनिडिया की अगर मैं बात करूँ तो वो एक दिख रहा था ना इस टाइप के छोटे छोटे बर्ड्स टाइप का स्ट्रक्चर, वही कोनिडिया थे, अभी दिखाएंगे। नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, ये मोटाइल क्यों थे, क्योंकि इनमें फ्लैजेला था। ये क्यों नॉन मोटाइल है, क्योंकि इनमें फ्लैजेला नहीं है। नेक्स्ट, या तो सिंगल प्रोड्यूस होंगे या तो चेन में प्रोड्यूस होंगे। अब जरा इस चीज को समझते हैं, तो दो चीजें हमें समझनी है, एक वो नॉन मोटाइल क्यों है और एक वो सिंगल और चेन में प्रेजेंट होते हैं क्या। तो देखो, सबसे पहली चीज, नॉन मोटाइल क्यों है, क्योंकि इनमें कोई फ्लैजेला दिख रहा है क्या, कुछ नहीं, इसलिए नॉन मोटाइल है। अब आप देखना, या तो सिंगल प्रोड्यूस हो रहा है, या तो सिंगल प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर एक लंबी सी चेन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इसी चीज को समझा रहा है जो जस्ट हमने पढ़ा, या तो सिंगली प्रोड्यूस होते हैं या तो चेन में प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एट द टिप ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांचेस। सिंपल चीज है, हाइफल जो ब्रांचेस थी उनके ऊपर ही प्रोड्यूस हो रहा है, जिनको हम कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। एक्सोजीनसली प्लेस्ड या फिर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनस, इसको समझते हैं हम जरा। जो वर्ड है एक्सोजीनस वो खुद ही खुद को समझा रहा है। एक्सो शब्द का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर इज एक्सोजीनस, बॉडी के बाहर इज एक्सोजीनस, आउटसाइड द बॉडी। आप खुद ही देखेंगे जो मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, यहां पे भी देख लो, मेन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, या तो सिंगल में होगा या तो चेन में होगा। तो ये सिंपल बेसिक चीजें हैं कोनिडिया के बारे में जो हमको ये बता रहा है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना और डायग्राम जरूर याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर की अगर मैं बात करूं, दे आर थिक वॉल्ड स्पोर। इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा थिक होती है, प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम हाइफल सेल। जो हाइफल सेल है उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग अनफेवरेबल कंडीशन। सवाल ये उठता है, सर आपने ये लाइन कैसे लिख दी, आपको कैसे पता चला कि ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन को विदस्टैंड कर जाएगा, सह लेगा, झेल जाएगा।
इसलिए सह लेगा क्योंकि इनकी जो वॉल है स्पोर्स की वो बहुत ज़्यादा थिक है। थिक वॉल का सिंपल मतलब है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को झेलने के लिए ही बना है, यही इसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके राइजोपस और एगेरिकस या फिर मशरूम जिसकी हम बात करें। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देखोगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सिंपल क्लेमाइडोस्पोर बना हुआ है। क्लेमाइडोस्पोर में जो समझने वाली बात है वो शायद आपको अच्छे से दिख रही होगी। इसकी सेल वॉल देखो, ये दिख रहा है ना, ये सेल वॉल है, इन सब में आपको सेल वॉल दिख रही होगी। तो क्लेमाइडोस्पोर जो है, जो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, पहला तो भैया एग्जाम्पल हर किसी का इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल आना ही चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थिक वॉल है, थिक वॉल दिख रही है ना, और थिक वॉल है यानी कि ये एडवर्स कंडीशन में विदस्टैंड कर जाएगा, एडवर्स कंडीशन झेल जाएगा। ये चीज समझ, थिक वॉल है तो एडवर्स कंडीशन झेल जाएगा। नेक्स्ट ओईडिया की बात करते हैं, ये दूसरे टाइप का स्पोर है। इन सम फंजाई एगेरिकस जो हाइफे हैं ब्रेक इनटू न्यूमरस स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रेगमेंट्स। जो हाइफा रहता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ व्हाट इज हाइफा, और ये मल्टीप्लाई बाय बडिंग, ये सिंपल सी टेक्निक है, इसको समझाता हूँ अभी। सबसे पहले व्हाट इज हाइफा आपको समझाते हैं। क्या होता है, फंजाई जो है वो एक्चुअली में ग्रो करने का उसका तरीका, ये जो दिख रहा है ना, दीज आर हाइफा, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। अगर मैं एक्चुअल में समझाऊँ तो इनका अरेंजमेंट किस टाइप का रहता है, तो बहुत ही बेसिक सा इनका अरेंजमेंट रहता है, अभी समझाता हूँ। तो देखो क्या होता है, सिंपल एक फंजाई की मैं बात कर रहा था, हाइफा बनाना था मुझे। ये इस तरह से एक लंबा सा, ये फंजाई का इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और उसके जस्ट यहाँ से कुछ ऐसी ब्रांचेस भी निकली हुई रहती हैं, तो इन्हीं को हम हाइफा बोलते हैं। अब क्या होता है कि इन्हीं में छोटे छोटे सेगमेंट में बनते हैं, प्लस ये फ्रेगमेंटेशन की मदद से अलग अलग डिस्पर्स हो जाते हैं, और उसी को हम ओईडिया बोलते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर के ऊपर आते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर अगर इसकी मैं बात करूँ तो दे आर नॉन मोटाइल स्पोर। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो फ्लैजेला है वो नहीं होंगे। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। अब हमको ये याद कैसे रहेगा कि स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, भाई बहुत सिंपल है, स्पोरेंजियोस्पोर यानी कि जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले स्पोर, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर को हम एंडोस्पोर भी बोलते हैं। सवाल उठता है क्यों, ऐसा इनने क्या स्पेशल किया है जिसकी वजह से इनको एंडोस्पोर बोला जाए। ये देखो ये स्पोरेंजियम है, ये एक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग है आपके स्कूल बैग जैसा, इसके अंदर ये स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक तरह से ये जो बॉडी का एक हिस्सा ही था जब तक ये डिटैच नहीं हुआ था। आप खुद ही देखो डायग्राम में, ये बॉडी का एक हिस्सा था इसलिए एंडोस्पोर का नाम दिया गया। अगर मैं एक्सोस्पोर आपको तुरंत दिखाऊं, एक्सोस्पोर आपको तुरंत दिखाऊं, तो आपने एक्सोस्पोर का डायग्राम देखा है, ये देखो बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, ये जस्ट अटैच है, यहाँ पे बॉडी खत्म हो रही है, जस्ट उसके ऊपर अटैच है। तो सिंपल सी चीज़ है, बॉडी के बाहर है एक्सोस्पोर, बॉडी के अंदर है एंडोस्पोर। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, दे आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसिलियम। जो विंड है उसकी मदद से डिस्पर्स हो जाते हैं और जहाँ भी गिरते हैं वहाँ एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज के ही हैं दोनों, एक राइजोपस और एक म्यूकर, ठीक है। आई होप आप ये जो डायग्राम है इस पर फोकस करें, किसी भी तरह की थ्योरी की समझने के मत उस चक्कर में रहना। सिंपल सी बात है, स्पोरेंजियोस्पोर होता है उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं, सॉरी स्पोरेंजियोस्पोर्स इनका नाम है, स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर ये स्पोर बनते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, टेक्निक है, समझना बहुत ज़्यादा आसान है। एंडोजीनस इनको क्यों बोला गया, क्योंकि बॉडी के ही पार्ट के अंदर ये डेवलप होते हैं। तो आई होप आपको स्पोर का जो ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक करें, थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर मैं बोलूं, तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही क्या होता है। वेजिटेटिव शब्द का मतलब है कि जो भी वेजिटेशन है, जो भी प्लांट्स हैं, आसान भाषा में आप उनको प्रोपगेट कर रहे हैं, उनको उगा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, यानी कि हम एक नया प्लांट बना रहे हैं फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट और प्रोपेग्यूल्स।
यानी कि हम पुराने पेड़ का एक पार्ट ले रहे हैं, जो पुराना वाला ट्री था उसका एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि या तो उसका बर्ड ले लें, या तो उसका ट्यूबर, राइजोम एक्सेट्रा। तो कोई भी एक शॉर्टेस्ट छोटा सा हमने एक पार्टिकल लिया, उसको बॉडी का एक हिस्सा लिया और उसका बॉडी का एक पार्ट लेके हमने एक नया पेड़ बना दिया, दिस इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ टाइप से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो जो शॉर्टेस्ट टाइम है इसमें, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें टाइम इसलिए कम लगता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद यंग वन डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल हमने एक टुकड़ा लिया एक पेड़ का और एक किसी भी एक्स वाई जेड प्लांट का और उससे नया प्लांट बना रहे, बहुत कम टाइम लगता है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल या सोमेटिक पार्ट्स, यानी कि जो टुकड़ा हमने लिया था ऑफ प्लांट डिटैच एंड या फिर और आर कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर, यानी कि या तो उसको डिटैच किया गया है या तो वो खुद ही कट जाता है, यूज टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो कुल मिला के हमने अभी तक यही समझा कि जो पुराना पेड़ था उसका एक पार्ट लिया और नया प्लांट उससे बना लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल इज रूट्स, बोथ टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दरबर्गिया या फिर गुआवा या फिर स्वीट पोटैटो। रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो दो तरह की जनरली आप रूट देखते हो। वन इज देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट सिस्टम, एक सिंगल रूट नीचे तक जाएगी, एक सिंगल रूट और फाइब्रस रूट, बहुत सारी यहाँ पर रूट्स जाएंगी, ये मोर एडवांस वाला रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, दूसरा तरीका है वेजिटेटिव का, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में पहला है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनमें बर्ड्स ओवर देयर नोड्स और आईज। इनमें क्या होता है, एक्चुअली में एक्सिलरी बर्ड होते हैं, ठीक है ना। ये जो बर्ड हैं, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं एग्जाम्पल आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो वहाँ ये ज़्यादा बेटर समझाऊंगा। क्या होते हैं ये एक्सिलरी बर्ड होते हैं और उन्हीं के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स देखे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एक्सिलरी बर्ड हैं ये नया बॉडी प्लांट की बना सकते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी नई बॉडी बना सकते हैं। एग्जाम्पल एट्रीचोके एंड पोटैटो। देखो इसको अब अच्छे से समझाते, बिना डायग्राम की चीज़ें समझ नहीं आती। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये जो हैं इनको एक्सिलरी बर्ड या फिर आई ऑफ पोटैटो बोल दिया जाता है। अगर मैं इस पोर्शन को हटाऊं और किसी सेफ जगह सूटेबल कंडीशन में कल्टीवेट करूं तो नया आलू का पेड़ मुझको मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है ना। ट्यूबर्स इनको हम बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, उनके पास बर्ड होते हैं ओवर देयर नोड्स और आईज, नोड और आई के ऊपर उनके बर्ड होते हैं जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं। बल्ब्स की अगर मैं बात करूं, बल्ब आर अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट। शूट मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी स्टेम जैसे होती है ना वैसे शूट। तो ये अंडरग्राउंड शूट के एग्जांपल हैं विच हैव मोर देन वन बर्ड्स, या तो एक बर्ड हो सकता है या एक से ज्यादा, जैसे आलू में हमने देखा था ना एक बर्ड या एक से ज्यादा थे, ऐसे ही अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है बल्ब्स इनमें भी एक या एक से ज्यादा बर्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल है गार्लिक अनियन। गार्लिक और अनियन का सिंपल एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे गार्लिक और अनियन दोनों ही देखोगे, एग्जाम्पल आप लेते हो तो बहुत सिंपल तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये बल्ब्स हैं, ये शूट पार्ट ही हैं, जो ज़मीन है उसके अंदर इनको कल्टीवेट किया जाता है और ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है कॉम्स। कॉम्स की अगर मैं बात करूँ तो अनब्रांच हैं, यानी कि इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। सोलन अंडरग्राउंड स्टेम, जो एक स्टेम है अंडरग्राउंड स्टेम है लेकिन इसकी कोई ब्रांचिंग भी नहीं है। हैविंग सर्कुलर नोड्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो कॉम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो नोड्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। एंड हैव बर्ड्स फॉर ग्रोथ ऑफ डॉटर प्लांट। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कोलोकेसिया एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इनने ब्रांचिंग वाली जो बात कही है और सर्कुलर नोड वाली जो बात कही है वो कितनी सच है, देखते हैं। देखो ये आप देख रहे हो सर्कुलर नोड, दूसरे कलर से देखते हैं तो ये आप देखो सर्कुलर नोड्स हैं, ये थोड़ा और इसमें देखते हैं, आप इसी चीज को समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है ये। ये देखो ये सर्कुलर नोड्स हैं, देख रहा है ये चीज। कोलोकेसिया इसका एग्जाम्पल है, कोलोकेसिया बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसका, आप इस चीज़ को देखना, सर्कुलर नोड्स होते हैं इनमें।
तो ये चीज़ समझने वाली थी और ये चीज़ देखने वाली थी डायग्राम के थ्रू। तो हमने यहाँ पे अच्छे से समझा कि अंडरग्राउंड स्टेम है, कोई ब्रांचिंग भी नहीं थी और सर्कुलर नोड थे। राइजोम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, सिमिलर एज दिस, जो फूड स्टोर करती हैं। ये क्या करती हैं? फूड स्टोर करती हैं फॉर पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होता है कि एक टाइम होता है जहाँ पे स्ट्रेस आने वाली है, यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने वाली है, खाना उतना नहीं मिलने वाला। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट में खाना स्टोर कर लेते हैं, सेम ऐसे ही जैसे हम अपने फ्रिज में खाना रख लेते हैं, वही चीज़ हो रही है। एग्जाम्पल इसका जिंजर है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है राइजोम का, आप ध्यान से देखिए, ये इस तरह का होता है। और ये जो बीच के स्ट्रक्चर्स हैं इनके दिख रहे होंगे आपको, ये इसकी नोड्स और इंटरनोड्स को दिखा रहा है। अच्छा, एक और चीज़, मेरे ख्याल से वैसे बच्चों को डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, जब आप बात करते हो कि एक नोड मान लो ये है और दूसरी नोड मान लो ये है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये एक नोड हो गई और ये दूसरी नोड हो गई, इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है, दिस इज इंटर नोड। इंटर मतलब बीच में, दो नोड्स के बीच में, ठीक है ना। तो ये राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कई बार आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट वन इज सकर। सकर मतलब दे आर सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड ब्रांचेस दैट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ एरियल शूट। जो बेस ऑफ एरियल शूट है उससे डेवलप हुए हैं, ग्रो मोर डिस्टेंट एंड फॉर्म न्यू एरियल शूट, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अंडरग्राउंड ब्रांचेज होती हैं जो एरियल शूट के बेस से ही, एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे आप मिंट का अगर पेड़ देखोगे तो कुछ इस टाइप का होता है, पुदीने का। आपने जो जनरल हाउस होल्ड है उसमें इसके एग्जाम्पल देखे भी होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे वही कुछ डिफरेंट नहीं है, हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं सिमिलर चीज़ है, वही हमारी देखी भाली जानी मानी चीज़ है। यहाँ पे आप देखते हो कि जो सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड ब्रांच है जो डेवलप की गई है बेस ऑफ एरियल शूट से, यानी कि अंडरग्राउंड ब्रांच थी उसकी जो एरियल शूट से निकली थी, ग्रो फ्रॉम मोर डिस्टेंस एंड फॉर्म अ न्यू एरियल शूट। ये कुछ लेयरिंग टाइप की चीज़ होती है ना, मान लो ये प्लांट है, ये ऐसा जाता है मिट्टी के अंदर से, क्योंकि लेयरिंग मुझे और भी अच्छे से समझानी है, ये नया प्लांट रहता है और ये एक दूसरा प्लांट हो जाता है, ये कुछ उसी टाइप की चीज़ें समझा रहा है। इसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, तो यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर लाइक करें, थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हम पढ़ रहे थे उसका कंटिन्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स को हम पढ़ेंगे। क्रीपिंग शब्द का मतलब होता है क्रीपिंग या क्राउल हो गया, रेंगने, जैसे रेप्टाइल करते हैं ना, रेंगने का काम करते हैं उसी तरह से। अब इसमें तीन तरह जनरली हम पढ़ते हैं, एक रनर होता है, एक स्टोलॉन होता है और एक ऑफसेट टाइप होता है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक तरीके हैं जिनको हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं विद रनर्स। रनर एक्चुअली में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा एक एडेप्टेशन है जो ग्रास का होता है, दूब ग्रास, जिसका आपने नाम सुना होगा। दीज आर नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, ये नैरो होती हैं, ग्रीन हैं और हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस हैं, विच डेवलप एट द बेस ऑफ द क्राउन, यानी कि क्राउन मतलब एक जो मेन जो पोर्शन होता है ना, जहाँ स्टेम सारे ख़त्म हो रहे हैं एक जगह पे आके, जैसे कि अगर ये सॉइल है और यहाँ पे पूरी ग्रासेस जो हैं वो इस तरह से पूरी तरह से आ रही, तो यहाँ पे जो क्राउन है नीचे का पोर्शन जहाँ से आपकी रूट्स चालू होगी, उसके बाद क्राउन एंड रूट्स एट इंटरवल वेयर न्यू क्राउन आर ऑल्सो फाउंड। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो लॉन ग्रास या फिर साइनोडॉन, दूब ग्रास और सेंटेला। इसको अगर समझाना है रनर को तो पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि रनर शब्द का मतलब क्या है। रनर जैसे करता है ना, भागता है, एक कदम यहां रखा, दूसरा यहां रखा, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा, तो ऐसे दौड़ता है ना तेजी से, इसी टाइप का। तो अगर मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी इस टाइप के मेथड्स हैं, क्रीपिंग मेथड्स, वो लगभग सेम होते हैं, उनका जो बेसिक आपको लगेगा वो सबका सेम लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाई सबसे पहले सॉइल। सॉइल बनाने के लिए ये मैंने ब्लैक कलर पूरा लगा दिया, दिस इज सॉइल। अब मुझे क्या करना है, रनर एक्सप्लेन करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है वो आपका पेड़ है पहला, और यहाँ से लंबी लंबी ऐसी ग्रासेस निकली हुई हैं, नीचे उनके इस टाइप से रूट्स निकली हुई, यहाँ से कुछ एक स्ट्रक्चर जो मैं दूसरे कलर से भी आपको बता देता हूँ, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलेगा और दूसरे पेड़ तक
जाएगा। अब जब दूसरे पेड़ तक जाएगा तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे पेड़ होगा और वो इस तरह से ग्रो करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, रनर जैसे दौड़ता ना, पहला दूसरा स्टेप फिर तीसरा, तो यहाँ पे नया पेड़ होगा, ये आपस में अटैच होंगे, यहाँ पे नया पेड़ होगा, ये आपस में अटैच होंगे। तो ये इस तरह का ही जो अरेंजमेंट होता है, इसी को हम रनर बोलते हैं। और इन सब के नीचे रूट्स जो सिंपल होती हैं वो होंगी, ठीक है। तो यही चीज़ रनर में होती है, ये आप ग्रास में आप बहुत आराम से देख सकते हैं। डूब ग्रास का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन यहाँ पे स्टोलॉन टाइप आता है। अब देखो एक और चीज़ बताऊं, अगर बेसिक आइडिया आपको समझाऊं ना, तो सकर हो गया, स्टोलॉन हो गया, ऑफसेट हो गया, लगभग सभी सेम चीज़ें हैं। अब बोलोगे सर वो कैसे? देखो बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्टोलॉन की भी बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल जो हैं, स्ट्रॉबेरी की मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। यहाँ पे भी जो पेड़ है, जो प्लांट है, वो एक लोकेशन पे है और सरफेस के ऊपर एक और नया स्ट्रक्चर बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा जो उसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन वाले पेड़ को आपस में अटैच करेगा, जोड़ेगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये जो टेक्निक है ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे इस पेड़ की रूट्स हैं, यहाँ पे इस पेड़ की रूट्स होंगी। तो कुल मिला के ये जो चीज़ है इसको हम स्टोलॉन बोल देंगे। स्टोलॉन आप देखोगे बहुत ही सिंपल है। सकर आप देखो तो सकर का भी यही सेम टेक्निक रहती है। तो कुल मिला के सकर हो गया, ऑफसेट हो गया, स्टोलॉन हो गया, इन सब का एक ही तरीका है कि सरफेस के ऊपर आपके इस तरह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ को कनेक्ट करना है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ये आर्च जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस हैं, आर्च मतलब समझते हो, ऐसी ऐसी सीधी ऐसी नहीं है, हल्की सी आर्च है, पढ़ते हो ना मैथ्स में, दे डेवलप एट द बेस ऑफ द क्राउन, क्राउन के बेस पे डेवलप होती हैं और हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन लाइक रनर्स। अब मैंने बोला था ना, रनर हो गया, सकर हो गया, ऑफसेट हो गया, स्टोलॉन हो गया, लगभग सेम है। अब ये लगभग सेम मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब पीएमटी में याद करोगे ना तब भूलोगे, तब ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी और वेलिसनेरिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑफसेट, इसमें क्या होता है, देयर आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स दैट अकर इन सम एक्वाटिक प्लांट्स। तो फर्क क्या आ गया, सिर्फ इतना सा फर्क है, ये एक्वाटिक प्लांट्स में एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्पल एकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ या पिस्टिया, वाटर लेट्यूस। इसका तो बहुत ही अच्छा डायग्राम है, एनसीईआरटी ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ये इसके फ्लावर्स हैं, बहुत सुंदर होते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ये सीधे पानी के ऊपर तैर रहे हैं, पानी के ऊपर ये तैर रहे हैं। सिमिलर एक जो पेड़ है उस पेड़ से दूसरा पेड़ जो है अटैच है, और जो मेथड है दोनों के अटैच होने का वो एक थिक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने ऑफसेट का नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये ऑफसेट है जो दो पेड़ों को आपस में जोड़ रहा है। तो इसी टाइप से होता है। नेक्स्ट, इसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है, टफ नहीं है। तो इसके आगे का जो है एरियल शूट वाला, इसको हम समझते हैं। तो देखो एरियल शूट की अगर मैं बात करूं, यहां पे एरियल शूट्स प्रेजेंट है। एरियल शूट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है कि फ्लैशी फाइलोक्लेट्स होते हैं, अकर इन ओपनशिया। तो आप ओपनशिया का डायग्राम जब भी देखते हो तो वहाँ पे एरियल शूट होती है ना, यानी कि जो स्टेम है वही पूरी डेवलप्ड है। जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे बहुत डिटेल में होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो जो स्टेम है वो फ्लैशी स्ट्रक्चर होती है और वही फोटोसिंथेसिस करती है। ईच सेगमेंट ऑफ सच स्टेम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो ईच सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट है, वो नया प्लांट बना सकता है। अगेन शुगर केन भी इसका दूसरा एग्जाम्पल है। अब सिर्फ आप सिंपल डायग्राम देखो, ये देखो ओपनशिया। जब आप इस चीज़ को देखते हो तो आप बहुत ध्यान से देखना कि मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये एक स्टेम है, ये फ्लैशी फोल्ड है ना, ये इस टाइप का एक बड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये स्टेम है, और इसके ऊपर ये जो कांटे हैं ये लीफ है। तो ये क्या है, ये स्टेम है, और इसके ऊपर जो ये कांटे हैं ये लीफ है, ये डेजर्ट मॉडिफिकेशन है और ये फोटोसिंथेसिस वगैरह सब करता है, और इसका जो हर एक नोड और इंटरनोड वाला पार्ट है ये एक नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लीव्स की बात करूं तो लीव्स ऑफ मैनी प्लांट हैव एडवेंटिशियस बर्ड्स। जो लीफ होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये लीफ है और इसके ऊपर जो बर्ड्स हैं वो आ रहे हैं, और ये बर्ड्स जो हैं वो नया ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से बना लेंगे। बेगोनिया या ब्रायोफिलम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। दिस इज ब्रायोफिलम, हिंदी में इसको पत्थर चट्टा के नाम से आपने सुना होगा।
तो ब्रायफिलम आप देखते हैं इसके ऊपर बर्ड्स निकलते हैं और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है तो कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आराम से मिल जाएगा। बुलबिस की मैं अगर बात करूँ या बुलबिल के नाम से अगर आता है एगेव, इसका एग्जाम्पल है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिस और एगेव दोनों ही याद रखना, सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है। मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो हैं, और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। तो एगेव देखो, ये बुलबिल या बुलबिस है, एगेव प्लांट है, तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मदद करते हैं। प्योर एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ट्यूरियंस की अगर मैं बात करूँ, ट्यूरियन जो है एक सोलन बर्ड है जो कंटेन स्टोर फूड, जिसके अंदर स्टोर फूड होता है पोटामोगेटॉन, एंड ये अट्रिकुलेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें एक स्टोर फूड स्ट्रक्चर होता है और वही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, एटलीस्ट इन चीज़ों में आपको सिर्फ नाम और उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, दैट्स इट। अगर ये वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर लाइक करें, थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम वाटर हाइसिंथ, या जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं या फिर बंगाल, जो आपको प्रोनाउंसिएशन लगे उसको हम पढ़ेंगे। अगर मैं वाटर हाइसिंथ की बात करूँ तो ये एक्चुअली में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला प्लांट है। वाटर हाइसिंथ या फिर टेरर ऑफ बंगाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था क्योंकि इसकी इन्वेसिव पावर की वजह से। ये इतना जल्दी प्रोपेगेट करता है, जैसे कि एक छोटा सा इसकी स्टोरी सुनाऊँ क्या हुआ था। इसके जो फ्लावर्स थे वो बहुत ही सुंदर वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो जो वो बहुत सुंदर वॉयलेट कलर के फ्लावर हैं वो कुछ इस तरह से आपको दिख रहे होंगे। तो बाहर की कंट्री में इस तरह का फ्लावर देखा गया और लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो हमारी वाटर बॉडीज़ में हमको लगाना चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे। जस्ट उसके बाद क्या होता है, हमको ये चीज़ रियलाइज़ बाद में हुई, इसकी जो प्रोपगेशन पावर है वो बहुत फास्ट है, यानी कि हम इसको निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उससे ज़्यादा जल्दी ये स्प्रेड हो जाता है। तो पूरी वाटर बॉडी के ऊपर ये एक तरह से फैल जाता है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा हूँ। जब पूरी वाटर बॉडी के ऊपर ये फैल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन नीचे से खींचेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अंदर की जो वेजिटेटिव हैं, पूरा मछलियाँ मान लो, प्लांट मान लो, वो सबकी डेथ होना चालू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा हैवक बन गया था, बहुत बड़ा एक सरदर्द बन गया था। इसको हम वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, एक्वाटिक प्लांट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेडिंग वीड्स, देख रहे हो, मोस्ट इन्वेडिंग वीड्स, सबसे ज़्यादा फाउंड ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर, जो रुका हुआ पानी रहता है। ऑब्वियस सी बात है, जो वाटर बॉडीज लेक्स वगैरह की हम बात करें तो वहाँ पे ही पाए जाते हैं। इट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच कॉज डेथ ऑफ फिशेज, एंड जो अंदर के प्लांट्स हैं उन पे भी एडवर्स इफेक्ट डालता है। द प्लांट विच इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ, जैसा कि मैंने देखा है ना, वॉयलेट कलर का फ्लावर था, बहुत सुंदर होता है इसके लिए। इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली बाय ऑफसेट, ऑफसेट मैंने तरीका बताया था ना, एट अ वेरी फास्ट रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट टाइम, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से इतनी जल्दी स्प्रेड होता है और बहुत ही छोटे समय में, कम टाइम में, बहुत बड़ी बड़ी जगह पर स्प्रेड हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट फ्रॉम द वाटर बॉडी, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनको वाटर बॉडी के अंदर से रिमूव करना। तो सिंपल सी बेसिक चीज़ थी जहाँ पे हमने वाटर हाइसिंथ के बारे में पढ़ा, ये कुछ इस तरह का इसका डायग्राम है। आई होप आपको ये सिंपल वीडियो समझ आया होगा। सिंपल इसके ऊपर क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं, एक ऑफसेट जो तरीका है, जो उसके प्रोपगेशन का है, जो इससे पहले मैंने डायग्राम भी दिखाया था, वो पूछा जाता है, और इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वाटर हाइसिंथ या फिर टेरर ऑफ बंगाल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही करवा रहे हैं लेकिन उसमें हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए उसको आर्टिफिशियल, या फिर जहां पे भी मैन मेड, या फिर जहां पे मैन का इन्फ्लुएंस हो, लोगों का इन्फ्लुएंस हो, दैट इज़ आर्टिफिशियल मेथड। स्टार्ट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन डेवलप बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट टू क्विकली मल्टीप्लाई डिजायरेबल वेराइटीज़। अब हमको क्या चाहिए, कि सिंपल सी बात है,
एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है जो हमको चाहिए, उसको हमने तुरंत ही आर्टिफिशियल मेथड से ग्रो करवाया और उसकी बहुत सारी वैरायटी बना ली। तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है और ये बहुत ज़्यादा बॉटनिस्ट को काम भी आता है, काफ़ी सारी रिसर्च प्रोसेस में, फूड प्रोसेसिंग में, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ठीक है, तो तीन तरीके जनरली पढ़ते हो आप, वन इज़ कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। बहुत सिंपल तरीके हैं कटिंग की, अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट करते हैं कटिंग से। तो कटिंग्स आर पीस ऑफ रूट एंड स्टेम एंड लीव्स, या फिर जो हम एक बात कहें तो ये किसी का भी एक टुकड़ा हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, चाहे तो रूट का, चाहे तो स्टेम का, चाहे तो लीव्स का, विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज, जो नर्सरी होती हैं, नर्सरी मतलब जहाँ पे एक तरीके से आप मान के चलो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स इकट्ठे करते हैं। आपने भी अपने शहर में नर्सरी देखी होगी, तो उनके पार्ट्स होते हैं प्लांटेड इन नर्सरीज। रूट प्रमोटिंग केमिकल्स आर यूज्ड, यानी कि जो ग्रोथ करवाएं, जैसे कि ऑक्सिन वगैरह हो गया, जिब्रेलिन वगैरह हो गया, उनका यूज़ किया जाता है। ये ऑक्सिन हो गया, ठीक है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी ऑक्सिन हो गया, एक डेरिवेटिव है। तो कटिंग का एक बहुत ही सिंपल सा आप एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज कटिंग। यहाँ पे क्या किया, एक पूरा प्लांट है, उसका एक पार्ट ब्लेड से काटा गया है और उसे अलग करके उगाया गया है, और ये हमको डिज़ायरेबल रिजल्ट दे देगा। अब इसी तरह से जो पेड़ है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको काटे जा सकता है और अलग अलग उगाया जा सकता है। ये बहुत अच्छा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। नेक्स्ट इज लेयरिंग या फिर सॉइल लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग लिखने का पर्पस ये था कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। देखो, एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, ये पूरा जो पोर्शन है, जितना भी आप पढ़ रहे हो, जब आप इसको पढ़ते हो, जो आपका मॉर्फोलॉजिकल बेसिस है, वहाँ पे फिफ्थ चैप्टर है, जो इलेवेंथ क्लास है, वहाँ पे आप इस चीज़ को डिटेल में और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ते हो। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, सिंपल सी चीज़ है, डायग्राम देखो, एग्जाम्पल याद करो, आगे बढ़ो, इतना ही रिक्वायर्ड होता है। लेयरिंग या फिर सॉइल लेयरिंग जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रूट कटिंग जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक प्लांट है, एक प्लांट एक्स वाई जेड स्टैंडिंग पोजिशन, मैंने उसकी एक ब्रांच ली नीचे से, ज़मीन के नीचे उसमें मिट्टी भर दी और उसे नीचे से दोबारा से बाहर निकाल लिया। ये देखो, मैंने एक ब्रांच ली, उसे ज़मीन के नीचे ले गया, उसे हुक कर दिया ताकि वो बाहर ना निकले, और जो एरियल पार्ट है दोबारा से बाहर निकाल लिया। बाकी का अगर मैं बताऊं तो ये बाकी चीज़ों से स्टोलोन सकर ऑफसेट से इसलिए अलग है क्योंकि उसमें जो ब्रांच थी वो यहाँ से ऐसी सीधी ट्रेवल कर रही थी और यहाँ पे नया प्लांट आ रहा था, तो इस तरीके से उससे अलग थी। तो यहाँ पे समझ में आया ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सॉइल की एक लेयर जो है, सॉइल की एक लेयर जो है उसके नीचे से लेके जा रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल दिस अ लेयरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, लास्ट वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट्स, दो पार्ट जो हैं, अलग अलग पेड़ के हिस्से होते हैं, उनको कनेक्ट करने का तरीका है। यूजुअली अ रूट सिस्टम एंड अ शूट सिस्टम दो डिफरेंट प्लांट्स इन सच अ वे। देखो, एक रूट सिस्टम का होगा और एक शूट सिस्टम, एक नीचे का पार्ट होगा, एक प्लांट के ऊपर का टॉप पार्ट होगा, और जो पार्ट है उनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाएगा दैट दे यूनाइट एंड लेटर डेवलप इनटू अ कंपोजिट प्लांट। वो दोनों मिलके एक पेड़ को जन्म देंगे, एक पेड़ को ग्रो करेंगे। तो देखो, इसको समझते हैं। ये एक्चुअली में बचपन में आपने काफ़ी अच्छे से समझ रखा होगा, एक नीचे का पार्ट होता है, एक ऊपर का स्टाइन होता है, नीचे का स्टॉक होता है। तो इन दोनों, अब ये अलग है, ठीक है ना, आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे। ये जो प्लांट है ये अलग है, ये नीचे वाला अलग है, इन दोनों को कुछ इस तरह से, अब सीधा भी तो काट सकते थे, लेकिन सीधा क्यों नहीं काटा, टेढ़े में इसलिए काटा ताकि ये आपस में बॉन्डिंग अच्छी कर सकें। इनको इस तरह से अटैच किया जाएगा और इससे बांध दिया जाएगा। अब जो ऊपर फ्लावर निकलेगा उसमें इसके और इसके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और यही ग्राफ्टिंग का मेथड है। जो ऊपर का पार्ट है उसे स्काइन बोलते हैं, नीचे का स्टॉक बोलते हैं। शायद पूछा जाए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो आप पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, इसको टिश्यू कल्चर को हमने अभी ही रिसेंट में ही बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, साइज में छोटा। प्रोपेगेट मतलब होता है प्रोपेगेशन करना, उसे ग्रो करना, ठीक है। प्रोपेगेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत आसान तरीका है। मैंने एक पेड़ लिया, उस पेड़ में से एक टुकड़ा लिया, एक्स प्लांट जिसको बोला, उसको मैंने न्यूट्रिटिव मीडियम लैब के अंदर ग्रो किया। लैब के अंदर ग्रो करके
कैलस याद मत करना, एम्ब्रियॉइड याद मत करना, सिंपल उसे ग्रो करके टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर किसी भी कांच की बॉटल के अंदर, ये देखो मैंने ग्रो कर लिया, और इसमें से जो भी एक्स वाई जेड प्लांट होगा इसको मैं एज अ कमर्शियल पर्पस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि माइक्रो प्रोपोगेशन है, यानी कि ऐसा सिर्फ एक या दो नहीं बनेंगे, ऐसे हजारों लाखों, जितना मेरा मन है उतने मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्लेट पे उसको ग्रो ही तो करना है। फिर से समझो, प्लांट का पार्ट लिया, पार्ट को मैंने प्लेट पे ग्रो किया, अब उस ग्रोइंग जो भी एक्स वाई जेड एम्ब्रियो है उससे मैं जितने चाहूँ उतने प्लांट्स बना सकता हूँ। दिस इज माइक्रो प्रोपोगेशन, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, बहुत छोटा, इसमें जो सिर्फ एक टिश्यू इन्वॉल्व है ना, टिश्यू एक बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए माइक्रो, और हम उसे ग्रो कर रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़, दिस मेथड इंक्लूड प्रोपगेशन ऑफ प्लांट बाय कल्चरिंग द सेल टिश्यू ऑर्गन, मैंने अभी समझाया था, एग्जाम्पल ऑर्किड, कर्नेशन, ग्लेडिनॉइड, ग्लेडियोल्स और क्राइसेंथेमम एंड अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये सिंपल वीडियो था जिसमें लास्ट हमने टिश्यू कल्चर को अच्छे से समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझाऊंगा। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं, इट इज द ओनली मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर सीडलेस प्लांट। जिन प्लांट्स में बीज नहीं होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं, उनके लिए ये इकलौता तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, सीडलेस जो ऑरेंज होते हैं उनके एग्जाम्पल सुने होंगे, तो ये इकलौता तरीका है उनके लिए। नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्लांट कैन बी रिटेन्ड एंड मल्टीप्लाई इनडेफिनेटली विदाउट एनी चेंज और वेरिएशन। इसको मतलब समझो जरा, अगर मेरे पास एक पेड़ है जिसका जो फल है, जिसका जो फ्रूट है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और मुझे उसी को बार बार लाना है, जैसे सीडलेस ऑरेंज की मैं बात करूँ, मुझे यही पसंद आ रहा, बहुत मीठा है, और मुझे इसी पेड़ को बार बार लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पेड़ का एक्सप्लांट यानी कि एक पार्ट लूँगा, टिश्यू लूँगा, और उससे बहुत सारे ऐसे ऑरेंज के प्लांट बना लूँगा। सिंपल, ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन का मेथड है, ऑब्वियस सी बात है, लैब के अंदर किया है, और माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू मैंने बहुत सारे जैसे कर लिए थे, ऐसे ही सेम वेजिटेटिव का होता है। वेजिटेटिव की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या किया है, एक छोटा सा एक्स वाई जेड प्लांट का पार्ट लिया, और जो भी वेजिटेटिव मेथड है जो मुझे सूटेबल लगा, उससे मैंने बहुत सारे प्लांट को जो हमारा क्रॉप एरिया था वहाँ पे उगा लिया। सिंपल तरीका है। सिंस प्लांट प्रोड्यूस द माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दे शो जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये लगभग सेम है, और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे ही होंगे, और उनके अंदर भी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो उनके पेरेंट्स के अंदर थी, जो हमें चाहिए भी होती है। जैसे कि मान लो जो फ्रूट है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस है, जैसे कि मान लो जो फ्रूट है वो बहुत मीठा है, काफ़ी टेस्टी है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपोगेशन हैज़ बीन अप्लाइड फॉर द डिजीज फ्री प्लांट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन है, 5-star इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये 5-star इंपॉर्टेंट है कि डिजीज फ्री प्लांट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। मैंने पहले ही बताया था, मेरिस्टेम जो होती है, एपिकल और एक्सिलरी, वो दोनों मेरिस्टेम डिवाइड होती हैं, इसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन उनके अंदर नहीं होता है, उनके सेल बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री होते हैं, चाहे पेड़ में कोई भी इन्फेक्शन हो। तो जब हम मेरिस्टेम ग्रो करेंगे तो नए प्लांट्स जो हमको मिलेंगे एक्स प्लांट से, वो हमें ऑब्वियस सी बात है डिजीज़ फ्री मिलेंगे। तो ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज़्यादा। द सर्वाइवल रेट ऑफ डॉटर प्लांट इज ऑलमोस्ट 100%। जो सर्वाइवल रेट है, लैब में बना रहे हैं, आर्टिफिशियल मेथड से बना रहे हैं, तो लगभग 100% वो सर्वाइव कर ही जाएगा। गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेम चीज़ है, सेम अपने पेरेंट्स जैसा होगा तो उसकी क्वालिटीज लंबे टाइम तक प्रिजर्व की जा सकती है। ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर। अब ये चीज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में आप पढ़ोगे तो मान लो मैंने कोई ऐसा पेड़ बनाया है जो डिजीज रेजिस्टेंस है, जिसको बीमारी नहीं होती कोई भी, और ना उसे कोई पेस्ट खराब करता, और मुझे वो प्लांट जो है एक बार तो बना लिया, अब बार बार इतनी बड़ी प्रोसेस तो करूँगा नहीं, तो मुझे वही प्लांट बार बार उगाना है। तो सिंपल सी बात है, वेजिटेटिव मेथड। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इज रिड्यूस्ड। यानी कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का जो टाइम, वैसे मान लो साल भर लग रहा है, 3 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है, ये तुरंत 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, इस टाइप से ये प्रोसेस जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, हमें जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है उससे मतलब है। डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो बहुत ही सिंपल हैं, प्रोपगुल्स जो हैं ईजिली डिके,
बहुत जल्दी डिके हो सकते हैं और प्रोन टू वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जो नॉर्मल प्लांट था, अब मान लो उसको बीमारी हुई, उसकी मदद से हमने जो प्लांट प्रोड्यूस किया वो डिजीज़ फ्री है, मैंने ये मान लिया, लेकिन जो नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ है वो बहुत जल्दी उसको इन्फेक्शन लग सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लैब में हो या किसी और जगह हो तो उसके अंदर उतना बेटर डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं होता है, अनलेस कि हमने कोई डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटी ही कल्टिवेट नहीं की हो, तब तक तो प्रॉब्लम आएंगी। देयर इज़ नो वेरिएशन, अब ऑब्वियस सी बात है सेम अपने पेरेंट के जैसा है तो फ़ायदा तो है लेकिन इसके नुकसान भी हैं। मैंने बताया था ना एक बार को तो इनब्रीडिंग टाइप का चलता है, लेकिन बार बार अगर सेम चीज़ कर रहा, अगर मान लो जो मीठा पेड़, जो मीठा फल वाला पेड़ है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उतना अच्छा है ही नहीं, तो उसे तुरंत जो एक्स वाई जेड पेस्ट है आके पूरी फसल ख़राब कर देता है, तो वो हमारे वैसे भी कुछ काम का नहीं है। तो ये चीज़ें रहती हैं। देयरफॉर द प्लांट में शुड डीजनरेशन एंड सच प्लांट देयर इज़ अ लेस अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेशन उनमें कम होता है टू चेंज एनवायरमेंट। अब मान लो सेम मैंने ले लिया कि मान लो बहुत ही अच्छा पेड़ है, बहुत ही मीठा फल है, प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी कि जो एनवायरमेंट है, जो मौसम है, वो तुरंत चेंज हुआ और वो पेड़ सूख जाता है, तो ये प्रॉब्लम है ना, हमारा तो नुकसान है। देयर इज़ नो डिस्पर्सल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल देयरफॉर इट कॉज ओवर क्राउडिंग कॉज कर सकता है क्यों, क्योंकि लेयरिंग ग्राफ्टिंग जितने भी आपने देखे थे आसपास के एरिया में ही होते हैं। हाँ ग्राफ्टिंग हम दूसरी जगह ले जा कर सकते हैं, लेकिन लेयरिंग और बाकी के जो मेथड्स थे उसमें आप देखोगे कि आसपास ही ग्रो हो रहे हैं तो एक क्राउडिंग क्रिएट कर देते हैं। अ डिजीज़ प्रेजेंट इन अ प्लांट स्प्रेड टू ऑल द डॉटर फॉर्म फ्रॉम इट, ये एक्चुअली पूरी तरह सही नहीं है, 100% ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं टिश्यू कल्चर मेथड से कर रहा हूँ तो ये इशू नहीं आएगा, वरना अगर मैं सिंपल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कर रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो पूरे प्लांट के जितने भी सेल और टिश्यू वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं टिश्यू कल्चर कर रहा हूँ तो ये बात सही नहीं है। ये फ़र्क समझ में आ गया ना, क्योंकि लेयरिंग में अगर मैं बात करूँ तो लेयरिंग में तो पूरी डिजीज़ जाएगी, लेयरिंग में कोई डिजीज़ नहीं बचेगी। एक पेड़ को अगर बीमारी है और मैंने लेयरिंग की उससे दूसरा पेड़ बनाया, उसको भी सेम बीमारियाँ होंगी। टिश्यू कल्चर में सिर्फ ये बात सही नहीं होती। तो आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, स्टार्टिंग विद एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला है, इट इज़ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल मतलब यूनि शब्द का मतलब है एक, सिंगल। जैसा कि हमको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड रहता है, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपने जितने भी रिप्रोडक्शन देखे थे एसेक्सुअल, चाहे रीजनरेशन, कॉन्जुगेशन, चाहे मान लीजिए आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिजन, बाइनरी, और ये जितना भी एग्जाम्पल थे सब के सब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व कर रहे थे, तो इसीलिए कोई मेट रिक्वायर्ड इसमें नहीं होता। इसको ज़रा एक और अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अनफेवरेबल सिचुएशन आई। अनफेवरेबल सिचुएशन में क्या होगा कि जिस तरह से मान लीजिए स्पोर फॉर्मेशन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो स्पोर फॉर्म होने तुरंत चालू हुए और डिस्पर्स हो गए। डिस्पर्स होकर जहाँ पे भी वो लैंड करेंगे फेवरेबल सिचुएशन में, वहाँ पे एक नया अपना ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। लेकिन अगर मैं सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ, क्योंकि कंपेयर हम उससे ही कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पे आ जाएगी कि भाई जैसे ही अनफेवरेबल सिचुएशन आई उसको रिप्रोड्यूस करना है तो पहले उसे पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा। इट इन्वॉल्व सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड माइटोसिस। जैसा कि हमने देखा सिंपल बाइनरी फिजन, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है जहाँ पे एक सेल है, सिंगल सेल, वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर हम अपनी भी बॉडी के सेल की बात करें तो जब सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं तो हमें भी पता है साइटोकाइनेसिस होते होते एकदम बेसिक, अब उसमें मत जाना कि नहीं डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, ये हो रहा है वो, लेकिन ये बेसिक मेथड है सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने का, डिवाइड करने का। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बेसिक है, और इसी वजह से ये मोस्ट क्विकेस्ट मेथड है, सबसे तेज मेथड है रिप्रोडक्शन का। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि इस तरह के जो एसेक्सुअल है, इस तरह के रिप्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे काम हैं जो सेक्सुअल में बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे वो एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सिंपल डीएनए को रेप्लिकेट कीजिए और साथ साथ में फिर धीरे डिवाइड करना चालू कर दीजिए। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल की बात करूँ तो वहाँ पे सबसे पहले आपको गेमिटोजेनेसिस करनी पड़ेगी, गेमिट बनाने पड़ेंगे, उनको फ्यूज़ होना पड़ेगा। फ्यूज़ होने के बाद उसके बाद जायगोट बनेगा, फिर उसके बाद आगे यंग वन जो है उसको प्रोड्यूस करने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये सब जो है बहुत लेंदी हो जाता है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक सिंगल पेरेंट है प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, एक ही सिंगल पेरेंट से हम बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स को यहाँ पे जन्म दे सकते हैं। आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा होगा, टिश्यू कल्चर देखा होगा, आप एग मल्टीपल फिशन देखा होगा, जिस भी टाइप के, और सबसे ज़्यादा स्पोरुलेशन देखा होगा। स्पोर्स जितने भी सारे हैं, जहाँ जहाँ फेवरेबल सिचुएशन में जाके गिरेंगे वहाँ एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो एक ही पेरेंट से हम बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो पाता। ये जो लास्ट वाला एक रीज़न है, इसको मैं सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रीज़न मानता हूँ। इसका कारण ये है कि यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। सवाल ये है कि इस लाइन को आप क्या समझते हो? अगर मैं पर्टिकुलर नॉलेज बताऊं तो मेरी नज़र में, या जनरल जो हम देखते हैं सिनेरियो, उससे क्या होता है कि ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब ये एक्चुअली में डायलेमा या डबल साइडेड सॉर्ट की तरह काम क्यों कर रहा है, इसको समझते हैं तब हमको समझ आएगा। देखो, स्टार्टिंग करते हैं जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स ही हमको मिलता है। मैं एनिमल और प्लांट दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूँ। एनिमल की बात करता हूँ तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिकली सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोड्यूस करते जा रहा है। मान लीजिए आज तक भी ऐसा ही चल रहा होता तो आज हम देखें इवॉल्व होके हम क्यों बने, क्योंकि वेरिएशंस हुए कई सारे रीज़न की वजह से, म्यूटेशन हुआ या कुछ और, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, कुछ भी हुआ, वेरिएशंस हुए, उनकी वजह से एवोल्यूशन हुआ और हम मोर डेवलप ऑर्गेनिज्म बनते गए स्टेज बाय स्टेज, और आज हम ह्यूमंस बन गए। अब सेम मैं बात करूं, अगर मान लो बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर पेरेंट की तरह बोल रहे हैं, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही होते, या तो बैक्टीरिया भी तो एक वेरिएशन से ही बने, तो वो भी नहीं होते। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर पावर होती है म्यूटेशन से, वो तुरंत क्या करता है, अपना जो फीचर्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर लेगा, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ले आता है। अब अगर वो नहीं हो रहा होता उसके अंदर, वेरिएशन नहीं आ रहे होते, तो वो रेजिस्टेंस भी कभी नहीं आ पाता। हालांकि अब आप ये बोलोगे, सर ये तो अच्छी बात है ना, कभी रेजिस्टेंस नहीं आता तो हमें दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी बात इसमें ये निकाली है मैंने कि हम क्या करते हैं, उनकी चेंज होने की एबिलिटी को हम अपने बेनिफिट के लिए थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर लेते हैं। इंसुलिन भी तो ऐसे ही प्रोड्यूस करते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आपको अभी उतनी समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि अभी आपको दो चैप्टर और समझने पड़ेंगे, एक एवोल्यूशन और दूसरा आपको बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद जो मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ तब आपको समझ आएगा कि हाँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल जो आप इसी चैप्टर के बेसिस पर समझ लोगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हुआ। मैंने एक पेड़ सेलेक्ट किया, एक प्लांट। प्लांट का सबसे डिज़ायरेबल कैरेक्टर ये था कि उसका फल जो है वो बहुत टेस्टी था। दूसरा डिज़ायरेबल कैरेक्टर, वो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी था। मैंने उसको उगाया खेत में, अब वो मुझे हर साल फ़ायदा देते जा रहा है। 3-4 साल हो गए लगातार वो मुझे फ़ायदा दे रहा है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ऑड क्लाइमेट चेंज आते हैं, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे ऑड क्लाइमेट चेंज आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है उस साल की पूरी लॉस्ट हो जाती है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सिमिलर जेनेटिक मटेरियल का ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो मुझे कुछ टाइम के लिए तो फ़ायदा दे सकता है, पर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, एवोल्यूशन तक की बात करूं, लंबे समय की बात करूं, तो वो मुझे घाटा ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा फ़ायदा भी है और यही सबसे बड़ा घाटा भी है। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम होता है, इसलिए कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, और कोई भी वेरिएशन नहीं है इसी वजह से इसका कोई एवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है अपने पेरेंट से, तो इसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल अपना पेरेंट का और इसका दोनों का सेम होगा। वेरिएशन नहीं है तो ये एक तरह से मैंने बताया ना, कुछ टाइम के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में हमको ही नुकसान देगी, क्योंकि उसमें कोई एवोल्यूशन भी नहीं होगा। और आप एक ही चीज़ से कहीं ना कहीं कितने ही टाइम बाद, जैसे कि मैं कॉमन लाइफ में आपकी बात हूँ, आपको मान लीजिए कोई शर्ट बहुत अच्छी लगती है, आप बार बार उसे पहन के जा रहे हो, रोज़ पहन के एक आध दिन बोरी हो जाओगे। आपको मान लीजिए कोई टीवी शो बहुत अच्छा लगता है, आप एक लिमिट तक देखते हो उसके बाद बोर हो जाते हो। एक फूड बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार आज तो आलू के पराठे खाने, लेकिन हफ्ते भर आपको आलू के पराठे खाए ना तो आप बोर हो जाओगे तीनों टाइम। तो ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे भी वही डिसएडवांटेज हैं, बार बार एक ही अगर जेनेटिक कॉम्बिनेशन का आएगा उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये ओवरक्राउडिंग कॉज करेगा। ओवरक्राउडिंग बहुत सिंपल सी बात है, हमारी खुद की इंडिया की पॉपुलेशन देख लो, ओवरक्राउडिंग मेरे ख्याल से इस दुनिया में हमसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा।
तो उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं बेसिकली प्लांट की बात करूं, अगर वहाँ पे ओवर क्राउडिंग है तो न्यूट्रिएंट के बीच में फाइटिंग होगी, न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट, हर कोई प्लांट को प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, और भी 50 तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उनकी अडेप्टेशन पावर बहुत कम होगी, अडेप्टेबिलिटी बहुत लो होगी। अडेप्टेशन मतलब मैंने बताया ना, ऑड क्लाइमेट चेंज हुआ तो जैसे ही ऑड क्लाइमेट चेंज होगा वो तुरंत गिव अप कर देगा प्लांट और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वाइल्ड वेराइटीज़ की बात करूँ जिनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशन होता है, वो ऑड क्लाइमेट चेंज से भी फाइट करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ़ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरह के होते हैं, एक सिनगैमी और एक कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बेसिक नॉलेज बताऊँ तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक गैमीट बनेगा मेल और दूसरा गैमीट फीमेल बनेगा और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा जिससे कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जो गैमीट्स बने हैं, फीमेल गैमीट में फीमेल कैरेक्टर्स होंगे और मेल गैमीट में मेल कैरेक्टर्स होंगे, और इन दोनों को कंबाइन करके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं जिसमें मदर और फादर दोनों की क्वालिटीज़ होंगी। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक्चुअली में थोड़ा आगे के लेवल का भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक आपको समझनी ज़रूरी हैं। स्टार्ट करते हैं विद सिनगैमी। सिन मतलब होता है टुगेदर, और गैमी मतलब गैमीट्स या फिर मैरिज यहाँ पे लिखा हुआ है। पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको गैमीट्स वर्ड याद करवाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा बजाय के इस तरह का कुछ याद करवाना। सिनगैमी मतलब हो गया कि जो गैमीट्स हैं वो टुगेदर आएंगे, साथ में आएंगे और फर्टिलाइज होंगे। देखो समझते हैं इसको। इट इज़ अ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब समझ में आया क्यों लिखा था टुगेदर गैमीट्स, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे और वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे, इसलिए सिनगैमी एंड टू फॉर्म जायगोट, और आगे चल के जायगोट बनेगा। आपको एक और चीज़ बताऊं, जायगोट फॉर्मेशन एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है पहली वाली, जब आप जायगोट वाला टॉपिक पढ़ोगे। सिनगैमी दो तरह की होती है, एक एंडोगैमी और एक एक्सोगैमी। एंडोगैमी ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है। एंडो मतलब क्या होता है? एंडो मतलब होता है इंटरनल। तो आप क्या देखोगे कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और आसान भाषा में देखेंगे कि मान लो एक ही ऑर्गेनिज्म है और उसी में मेल गैमीट बना है, उसी में फीमेल गैमीट बना है। देखो समझते हैं। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ सेम पेरेंट, यानी कि इसको समझना आसान है। देखो कैसे, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है। अब मान लीजिए जैसे अर्थवॉर्म की हम बात करते हैं, तो अर्थवॉर्म की हम अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट एक ही के अंदर है, तो मेल गैमीट भी उसी ने बना दिया और फीमेल गैमीट भी उसी ने बना दिया, और इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और चाइल्ड जो है या फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये मोस्ट सिंपलेस्ट वे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे एक ही पेरेंट अपना जो है फर्टिलाइजेशन कैरी आउट कर रहा है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म भी है और टेप वॉर्म भी इसका एग्जाम्पल है। अगेन एक्सोगैमी की मैं बात करूँ, एक्सो मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पेरेंट। देखो इसको समझते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है। रैबिट ले लो, ह्यूमन ले लो, सबसे अलग जो भी एक्स वाई जेड, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मान लीजिए मैंने मेल ही लिख दिया, मैं अलग से क्यों वन लिखूं। मान लीजिए मैंने इसको मेल ही लिख दिया और दूसरा ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पे जो लिया है उसको मैंने फीमेल ही लिख दिया, तो फीमेल गैमीट जो है इस बार फीमेल बना रही है और मेल गैमीट जो है वो मेल बना रहा है, और उसके बाद दोनों के गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट और उसके बाद ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो फर्क बस इतना आया, पहले एक ही बॉडी के अंदर दोनों गैमीट बन रहे थे, इस बार दो बॉडी के अंदर गैमीट्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने रैबिट बताया, और भी ह्यूमंस भी इसी तरह का जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सिंपल रिप्रोडक्शन का बेसिस है। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब होता है टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू पेरेंट, यानी कि दो पेरेंट जो हैं वो टेम्परेरी पास पास आए, यूनियन हुआ उनका, ऑफ सेम स्पीशीज। ऑब्वियस सी बात है, पता है अगर स्पीशीज़ की आप डेफिनेशन देखो, जो अर्न्स्टमेयर, प्रोफेसर अर्न्स्टमेयर थे, उन्होंने स्पीशीज़ की जो डेफिनेशन दी थी वो क्या दी थी, उनने यही कहा था कि अगर दो इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं
तो हम उनको स्पीशीज़ बोल सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ये पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुकी है, चाहे एम्स हो चाहे आपका पीएमटी हो। तो सेम स्पीशीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, दोनों पेरेंट्स यूनियन हुए हैं, पास आए हैं, विद एक्सचेंज देयर मेल प्रोन्यूक्लियाई टू फॉर्म सिनकैरियन एंड सेपरेट टू प्रोड्यूस डॉटर इंडिविजुअल्स। इसका अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल बैक्टीरिया मिलते हैं। इट करस्पॉन्ड टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ हायर एनिमल टेक्स प्लेस इन पैरामीशियम एंड स्पायरोगायरा। ये इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन स्टिल अगर कॉन्जुगेशन मुझे समझाना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन आप समझो, जो कि एक टाइप का एसेक्सुअल मेथड ही है, लेकिन आप पैरामीशियम और स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल भी देखोगे तो सेम इसी तरह का है। इसको समझना आसान है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक सिंपल पाइलस होता है, यहाँ दोनों कंबाइन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल सिंपल ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ पे भी पहले जेनेटिक मटेरियल सिर्फ यहीं पे ही था, अब देखो दोनों जगह पे, ये देखो अब दोनों जगह पे। तो कॉन्जुगेट मतलब यही हो रहा है कि दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उसके बाद सिंपल उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसकी बात करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज की मैं बात करूं तो वेरिएशन मिलेंगे। वेरिएशन क्यों? क्योंकि एक मेल कॉम्बिनेशन है, एक फीमेल कॉम्बिनेशन है, मेल कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, दोनों कंबाइन होकर एक नई चीज़ ला रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वेरिएशन मिलेगा। एवोल्यूशन, अब मैंने बताया था वेरिएशन और एवोल्यूशन पैरेलल लाइन है, अगर वेरिएशन होगा तो ही एवोल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है एवोल्यूशन भी इससे होगा। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन भी वेरिएशन का ही एक पार्ट है। जब हम हमेशा बात करते हैं जिराफ की, या हम हमेशा बात करते हैं किसी भी एक्स वाई जेड चीज़ की, अब मान लीजिए एक कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है, हम हमेशा क्या बात करते हैं कि सब लोग हमारे हाथों की उंगलियां जैसे जो हैं जैसे कि सारे डिफरेंट है, तो ऐसे ही सब लोग जो हैं वेरिएशन वाले वो इसी टाइप के होते हैं। हमारे अंदर भी अगर हम 10 इंडिविजुअल का एग्जांपल ले लें और हम सब पे एक स्ट्रेस सिचुएशन डालें, तो हर कोई इंसान जो 10 इंडिविजुअल है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अलग अलग तरीके से जो 10 लोग रिएक्ट करेंगे, जिसका तरीका सबसे बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। यही सिलेक्शन होता है, और यही वेरिएशन से हम एडेप्टेशन को बोलते हैं कि यही एडेप्टेशन भी होता है। एडेप्टेशन अगर मैं वर्ड आपको समझाऊं तो एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सिंपल है। एडेप्टेशन मतलब आप समझते हैं कि मान लीजिए आप जिस जगह रह रहे थे उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह गए, तो आप वहां जाएंगे तो वहां के तौर तरीकों को, वहां की कंडीशन को, सिचुएशन को अडेप्ट करेंगे और उस हिसाब से रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यहां पे रहते हैं, अब आप राजस्थान मान लीजिए शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए, तो राजस्थान में रहन सहन तौर तरीके खाना पीना सब चीज़ें चेंज होंगी ना, सारी चीज़ों को आप अडेप्ट करेंगे। साउथ जा रहे हैं तो वहाँ की चीज़ें, केरल पहुँच गए तो वहाँ की चीज़ें अडेप्ट करेंगे अलग तरीके से, तो ये वही चीज़ है। नेक्स्ट इज विगर एंड वाइटैलिटी। विगर एंड वाइटैलिटी जैसे कि हाइब्रिड विगर और इन सब का हमने देखा था कि जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल है, इन दोनों से भी ज़्यादा डिज़ायरेबल है, तो ये वाइटैलिटी और विगर ये भी देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो बायपेरेंटल है, सेम वही जैसे कि वो यूनिपेरेंटल था, ये बायपेरेंटल है, ये इसका डिसएडवांटेज है। स्लो प्रोसेस है, हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गेमिटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन, उसके बाद नया ऑफस्प्रिंग बनता है। फर्टिलाइजेशन एक चांस फैक्टर है, वहाँ पे जो दोनों बाइनरी फिजन और सिस्ट फॉर्मेशन स्पोरुलेशन जितना भी चल रहा था, ये सारी चीज़ें एक ही पेरेंट की थी और कोई चांस फैक्टर नहीं है, वो होना है मतलब हो ही जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन एक चांस फैक्टर है, मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिले तो आप क्या कर लोगे, तो वही चीज़ है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक चांस फैक्टर है। आई होप आपको ये सिंपल वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिनगैमी को और डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट्स जो फॉर्म होते हैं उसको। सिनगैमी मतलब होता है दो गैमिट्स आपस में फ्यूज़ होना, लेकिन ये चीज़ कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि वो दोनों जो गैमीट होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, उनमें भी तो फ़र्क हो सकता है। एक्चुअली मैं अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आया था अल्गी के अंदर, और अल्गी जब आप पढ़ते हो प्लांट किंगडम में तो वहाँ का ये पर्टिकुलर टॉपिक है, वहाँ पे एनसीईआरटी में डिस्क्राइब भी है, आप देखेंगे लेफ्ट साइड एनसीईआरटी में नीचे की तरफ, मेरी बुक में तो तब वही था, नया एडिशन आया हो चेंज हो गया हो पता नहीं, लेकिन हाँ लेफ्ट साइड नीचे की तरफ इन तीनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये अल्ट्रा अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट था हमारे टाइम पे, ये क्वेश्चन 100% आना ही आना था, और आज भी अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन ईजी ज़रूर हो गया है लेकिन आज भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल जो इसके हैं वो तो अल्ट्रा ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आइसोगैमी से, स्टार्ट करते हैं, तीन तरह के गैमिट फॉर्मेशन के टेक्निक्स हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप,
आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड होलोगैमी, ठीक है ना। होलोगैमी की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का ही है। स्टार्ट करते हैं सिनगैमी का, तो फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स हैं, यानी कि जो साइज है और शेप है दोनों का एग्जैक्टली सिमिलर होगा, साइज और शेप। हालांकि ये दोनों उतने ज़्यादा साइज में बेटर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अच्छे से समझना कि मान लो इसका जो साइज है दोनों का वो भी सेम है और शेप जो है वो भी एक जैसा ही हो, तो उसको हम बोल देंगे एक आइसोगैमस ये दोनों गैमीट्स हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी की सिमिलैरिटी में यही चीज़ें आती हैं कि मॉर्फोलॉजी मतलब सामने से देखने में क्या लगना, और दोनों के फंक्शन जो हैं वो भी सेम ही होंगे, ये भी एनसीईआरटी में मेंशनड है और इस चीज़ को इसलिए पूछा भी जाता है। तो सिंपल आइसोगैमी, आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट्स, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों सेम होंगे। एग्जाम्पल मैं बात करूँ, क्लेमाइडोमोनास एक अल्गी है और माइक्रोसिस्टिस एक प्रोटोजोआ है, उनके अंदर ये इस टाइप का फर्टिलाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट एनाइसोगैमस, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफरेंट इन साइज। स्ट्रक्चर जो है उनका सेम होगा लेकिन साइज अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों सर्कुलर ही हैं तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है दोनों का एक जैसा ही होगा, बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों का सेम ही होगा, लेकिन अगर मैं साइज की बात करूँ तो साइज में मार्क डिफरेंस होगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्लेमाइडोमोनास और ब्राउनी जो ऑर्गेनिज्म है ये इनके बीच में इस तरह का देखा जाता है फर्टिलाइजेशन। होलोगैमी की बात करूं तो होल इज वोल यानी कि पूरा, कंप्लीट, एंटायर, और गैमी मतलब अगेन गैमीट्स। मैक्रोगैमी भी बोलते हैं, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, इट मीन टू ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ एक्ट एज गैमीट्स, ठीक है ना। तो पूरे दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म खुद ही कंबाइन हो जाएं और दोनों के दोनों खुद ही एक गैमीट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन एक छोटा सा आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूं तो ये मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता। इवन अगर ये आप भूल भी जाओ ना, आप इसको बिल्कुल भी याद मत रखो। आप खुद सोचिए, एक टीचर जो खुद ही अपने नोट्स में गलतियां बता रहा है कि ये चीज तो पढ़ना ही मत। ये चीजें एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, जो आप अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ें, जो आपकी नॉलेज भी बढ़ाएंगी। और ये जबरदस्ती की चीजें होती हैं, ये एक बोले कंटेंट का जबरदस्ती की चीज है जो हमें इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई बच्चा होलोगैमी पढ़े। उसके अलावा अगर आपको पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। देखो, एक फर्टिलाइजेशन होता है ओगैमस टाइप का, ओगैमी, आपको ये पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना चाहिए तो चलो अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं, ओगैमी आपको पढ़नी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होती है, ओगैमस फर्टिलाइजेशन या ओगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड लास्ट वन इज ओगैमी, ये चीज पढ़ने वाली है। इसमें क्या होगा, एक मेल गैमीट बनेगा जो छोटा होगा और एक फीमेल गैमीट बनेगा जो बड़ा होगा। मेल गैमीट के ऊपर होंगे दो फ्लैजेला, या फ्लैजेला कितने हो सकते हैं, ठीक है, एक या दो होगा मिनिमम। क्योंकि ये मोटाइल होगा तो ये फीमेल गैमीट के पास जाएगा, फ्यूज होगा, और फ्यूज होके ये दोनों आगे चल के जायगोट बनाएंगे। अब मैंने अकेले फीमेल गैमीट से नीचे से इसको जायगोट लिख दिया तो ये मत बोल देना कि मेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, मेल गैमीट मोटाइल है, फीमेल गैमीट के पास जाएगा, दोनों कंबाइन होंगे, फ्यूज होंगे और जायगोट बनेगा, और जायगोट से एक नया इंडिविजुअल पैदा होगा। ओगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन आप देख पा रहे होंगे, हमारे टाइप का एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बताया भी था, इनवर्टिब्रेट हायर जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, और फंजाई काफ़ी सारे, उनमें इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसो एंड आइसो दोनों के एग्जाम्पल, दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। होलोगैमी मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनाइसोगैमस एंड आइसोगैमस गैमीट्स। अगर मैं आइसोगैमस की बात करूं तो आइसो शब्द का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर या सेम, सिमिलर इन व्हाट, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन। और अगर मैं एनाइसोगैमी की बात करूं तो एनाइसोगैमी की मतलब होता है कि यहां पे डिफरेंट गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है, डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन। स्टार्ट करते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डू नॉट डिफर इन साइज, यानी कि जो दो गैमीट्स ऐसे फ्यूज हो रहे हों जिनकी मॉर्फोलॉजी और फंक्शन सेम हो। आप देखोगे, आप बेसिक आइडिया याद रखो, बेस कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी याद हो जाएंगी। जैसे कि अब मॉर्फोलॉजी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है साइज तो सेम होगा ही, शेप भी सेम होगा,
और फंक्शन सेम है, ये मैंने सेकंड बोली दिया। यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि दो डिससिमिलर गैमीट्स, दो डिफरेंट गैमीट्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है, जो मॉर्फोलॉजी बिल्कुल भी इनकी सेम नहीं है, फंक्शन उनका बिल्कुल भी सेम नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो गैमीट्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू मेल एंड फीमेल। मॉर्फोलॉजी सेम है, इसका सीधा मतलब यही है कि उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक गैमीट होगा जो छोटा होगा, माइक्रोगैमीट, दैट इज मेल, और एक बड़ा गैमीट होगा, मैक्रोगैमीट, दैट इज फीमेल। अगर मैं बात करूँ तो आइसोगैमी में दोनों गैमीट जो है इक्वली रिच इन न्यूट्रिएंट्स होंगे। मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, सेम साइज के हैं, तो दोनों के अंदर न्यूट्रिएंट भी सेम कंटेंट ही होगा। जबकि यहाँ मैं बात करूँ तो मैक्रोगैमीट, मैक्रो मतलब क्या होता है, साइज में बड़ा, तो मैक्रोगैमीट नाम से ही हमको इजीली समझ आ रहा है कि साइज में बड़ा है तो न्यूट्रिएंट भी उसमें ज़्यादा ही होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन द एक्टिविटी ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। दोनों जो आइसोगैमी में फ्यूज हो रहे हैं उनकी एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। ये फ़र्क इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का फंक्शन जो है वो एकदम सेम होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेल गैमीट जो होता है एनाइसोगैमी में वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ज़्यादा एक्टिव से मेरा मतलब है कि वो मोटाइल होता है, मोटाइल है, ज़्यादा एक्टिव है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो गैमीट है वो जाएगा फीमेल के पास और फ्यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों के जो फंक्शंस हैं, दोनों की जो एक्टिविटी है वो एकदम सेम है। नेक्स्ट बात करूँ, इट टेक प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही बेटर है कि जहाँ पे जो गैमिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम शेप के और साइज़ के हों, मॉर्फोलॉजी सेम हो। एग्जाम्पल दिया गया है मोनोसिस्टस, जो कि एक प्रोटोजोआ है। जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इट टेक्स प्लेस इन हायर फंजाई, ठीक है ना, हायर इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जो हायर फंजाई हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं हायर, और ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग अस, यहाँ पे इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप आपको ये सिंपल डिफरेंसेस समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बीच का डिफरेंस। अगर मैं बात करूं तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में एक बेसिक आइडिया रखना, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, क्रॉस में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, बस इतना बेसिक आइडिया काफ़ी है, सारे डिफरेंस आपको खुद ही विजुअलाइज हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ सेम पेरेंट। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ही पेरेंट है और उसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट बन रहे हैं और उन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज यूनिपेरेंटल, ठीक है ना। इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट है। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों में ही होते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है ना, अलग अलग पेरेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसीलिए ये एक बाय पेरेंटल, यानी कि दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर प्रोसेस है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रोसेस है। अब क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है तो एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो तो एक ही रहेगा ना, और एक ही डीएनए है, वही दोनों अलग अलग गैमीट्स में गया और वही दोबारा से कंबाइन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर या वेरिएशन जो है वो बहुत कम रहेंगे, और वेरिएशन कम होने का भी मतलब यहाँ पे दूसरे वर्ड्स में लिखा है होमो, होमो मतलब सेम, जाइगोसाइटी, यानी कि जाइगोट जो है वो सिमिलर डीएनए से ही, सिमिलर टाइप का डीएनए ही हर बार बनेगा। फर्दर अगर मैं इसकी बात करूँ तो हेट्रोजाइगोसाइटी इंक्लूड करता है या इंक्रीज करता है, उसका कारण ये है कि दो अलग अलग पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए हेट्रोजाइगोसाइटी इंक्रीज करें। वेरिएशंस बहुत कम होंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक ही पेरेंट का डीएनए है, वही मेल फीमेल गैमिट में जा रहा है, वही कंबाइन हो रहा है, तो वेरिएशंस इसमें बहुत कम होंगे। और उसके बाद जो अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूँ तो एवोल्यूशन भी इनमें उतना बेटर देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर मैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो इनके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे, और इनके अंदर एवोल्यूशन के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होंगे। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है टीनिया या फिर टेपवर्म, और इधर के तो बहुत ही सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल में आप देखेंगे कि यहाँ पे बर्ड्स हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। तो आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को हमने कंपेयर किया। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बेसिक चीज़ है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th-10th क्लास में हमने बहुत बार इसको पढ़ा है, लेकिन स्टिल एक बेसिक आइडिया जल्दी जल्दी हम ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूँ, इट केम्स इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट उनमें होता है और लोअर कॉर्डेट्स में भी होता है, और या फिर उन प्लांट्स में होता है जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्दर अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इट अकर ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल एंड मोस्टली हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स से इनका मतलब है एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। नेक्स्ट बात करूं, इट इज़ ऑलवेज यूनिपेरेंटल, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, इसमें दो पेरेंट रिक्वायर होते हैं। गैमीट जो है यहाँ पे बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो फ्यूजन होना है ना उनकी कोई रिक्वायरमेंट, यूज़ भी नहीं है। यहाँ पे गैमीट ही फ्यूज़ होंगे वही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है। एसेक्सुअल की बात करूं तो गैमीट अगर नहीं बन रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, बेसिक चीज़ है, क्योंकि गैमीट बनते हैं वही तो फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट बनते हैं और जेनेटिक वेरिएशन आता है। नेक्स्ट बात करूं तो इसमें सिंपल माइटोसिस होता है। सिंपल माइटोसिस समझते हो, बाइनरी फिजन, एक सेल है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, दिस इज सिंपल माइटोसिस। और इससे ज़्यादा बेसिक, क्विकेस्ट और ईजिएस्ट मेथड रिप्रोडक्शन का है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस दोनों होते हैं। ज़रा इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत छोटा सा वीडियो रखूँगा, बहुत सिंपल भाषा में समझना। मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लीजिए ये मेल है, मेल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होंगे। मियोसिस जो होंगे वो एक्चुअली में दो तरह का होगा, एक मियोसिस वन और मियोसिस टू, जब आप सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ते हो ये उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मियोसिस वन होगा तो मियोसिस वन में सिंपल जो गैमी 46 क्रोमोसोम होते हैं, आपने सुना होगा ह्यूमन बीइंग में, तो उसका गैमीट बनेगा, गैमीट में उसके जस्ट आधे होंगे, ठीक है ना, 46 के जस्ट आधे होंगे। मियोसिस टू जो होगा उसमें सिर्फ इनके बीच में माइटोसिस होने का काम होगा और इन्हीं की एक फोटोकॉपी क्रिएट हो जाएगी कुछ इस टाइप से। लेकिन अब मियोसिस टू, मैंने बोला माइटोसिस जैसा होगा, लेकिन माइटोसिस अब भी होना बाकी है। कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाएगा, तो जायगोट में फिर से माइटोसिस होना चालू होगा, क्योंकि हमें उसको ग्रो करवाना है। और इसके अलावा और का माइटोसिस होगा, इसके अलावा माइटोसिस वहाँ पे होगा जहाँ हमारी बॉडी के टिश्यू रिपेयर कर रहे होंगे। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए, इससे ज़्यादा अगर चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ये चीज़ें उनको समझ आएंगी जिनको रिविजन करना हो। अब मान लीजिए आपको वो कॉन्सेप्ट सेल डिवीजन वाला ही नहीं पता है, तो आपको मियोसिस वन और मियोसिस टू ही आपने पहली बार सुना हो, तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी और आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए जब मैं सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पे क्लियरिटी करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं बात करूँ, यंग वंस जो हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ना तो गैमीट बन रहा है ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है एक ही पेरेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जेनेटिकली वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। ये अभी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जबकि मैं यहाँ की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट गैमीट हैं, अलग अलग पेरेंट्स से हैं, फर्टिलाइजेशन होगा दोनों के बीच में, जेनेटिक वेरिएशन भी आएगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि सिंपल डिवाइड ही तो होना है, लेकिन यहाँ पे पहले गैमीट बनेगा, फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद यंग वंस, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सिंस देयर इज़ नो वेरिएशन, तो यहाँ पे एवोल्यूशन का भी कोई चांस नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मैं अभी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। स्टिल अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन है, और जहाँ जेनेटिक वेरिएशन होगा वहीं पे एवोल्यूशन पॉसिबल है, या फिर म्यूटेशन होगा तो एवोल्यूशन पॉसिबल है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें समझा चुका हूँ जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आई होप आप उनको अच्छे से देखना। यहाँ समझना आए तो वहाँ के जो मेन वीडियो है एडवांटेज डिसएडवांटेज उनको ज़रूर देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रॉड टर्म्स में कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल तीन फेज देखे जाते हैं, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंट फेज। जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लिंक है। लिंक ये है, जुवेनाइल मतलब जब से हम इन्फेंट जब पैदा हुए उसके बाद से, एक प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं इसको, जहाँ पे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं ताकि वो गैमेटोजेनेसिस कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जीरो, जब हम पैदा हुए जीरो,
वहाँ से लेके 13 साल 14 साल जब भी हमारी एडोलिसन एज स्टार्ट हो रही है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ तक उस फेज को हम जुवेनाइल फेज बोल रहे हैं, जहाँ पे हम एक्टिवली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये फेज होता है जुवेनाइल फेज, जिसको इन्फेंसी और चाइल्डहुड में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एक मैच्योरिटी वाला फेज, एडोलिसन फेज, जहाँ पे हम थोड़े से रिप्रोड्यूस करने के लिए, एक्टिव रिप्रोड्यूस करने के लिए अडेप्ट होते हैं। नेक्स्ट ओल्ड एज आना चालू होता, एडल्टहुड आना चालू होता है, जहाँ पे जो हम हैं एक नए एडल्ट के फॉर्म में, एडल्ट मतलब यहाँ से मेरा मतलब है 30 और उसके बाद होना चालू हो रहा है। अगर एक्चुअल अडल्ट मैं बोलूँ, एक्चुअल अडल्ट 20 के बाद ही चालू हो जाता है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हायर एज तक इसको कंटिन्यू किया जाता है, एंड आफ्टर 60 दिस इज़ ओल्ड एज, है ना। तो ह्यूमंस में एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है चीज़ों को डिवाइड करना। बेसिक तीन आपको फेज याद रखने हैं लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट। अगर मैं स्टार्टिंग करता हूं जुवेनाइल फेज की, तो जुवेनाइल फेज की अगर मैं बात करूं, इसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है ये इन साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ एंड इंडिविजुअल अप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए जितना भी टाइम लगा है, दिस इज जुवेनाइल फेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, 0 से लेकर 13 साल, 13 प्यूबर्टी पहुंच रहे हैं, रिप्रोडक्शन के लिए हम लायबल हो रहे हैं, तो इसी के लिए ये जो बीच का फेज है 13 साल का, दिस इज वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज। देन रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनिज्म यहां पे रिप्रोड्यूस करने के लायक हुआ है। दो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो हैं फ्लावर बनाते हैं वंस इन देयर लाइफ। कार्पिक शब्द का मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर प्रोड्यूस करना, कार्प, और मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी कि लाइफ में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, वंस इन देयर लाइफ, मोनोकार्पिक। ऑल एनुअल प्लांट्स, एग्जांपल वीट हो गए, राइस हो गए, बाइनियल प्लांट हो गए, कैरेट, रेडिश, सबके सब मोनोकार्पिक के एग्जांपल है। पॉलीकार्पिक की अगर मैं बात करूं, तो ये जो प्लांट्स हैं पेरिनियल हैं, पेरिनियल के बाद फ्लावर इनमें रिपीटेड चलते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, हर साल आते हैं, एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। अगेन रिप्रोडक्टिव फेज का जो एक और है क्राइटेरिया, जिसको मैं बोलूँ एक और साइड है, दैट इज़ कि वो तो हमने प्लांट्स के लिए पढ़ा, एनिमल्स के लिए पढ़ते हैं। एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, तो एनिमल ब्रीडर दो टाइप के होते हैं, एक सीजनल और एक कंटिन्यूस। ये जितनी भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, एनसीईआरटी में दी हुई हैं, बस रेंडमनेस के साथ दी हुई हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना। एनिमल दो तरह के होते हैं, सीजनल, रिप्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग, लिजर्ड और ज़्यादातर बर्ड्स और डियर। आपने देखा होगा कई सारे बर्ड्स हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो सीजनली ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूस ब्रीडर, यानी कि जो पूरे साल ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। दीज एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट द ईयर एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो भी उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसकी मदद से थ्रू आउट द ईयर ये ब्रीड करते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है इनका ब्रीडिंग करने का। एग्जाम्पल हनी बी, क्वीन, पोल्ट्री, रैबिट, माइस एंड कैटल। लास्ट फेज जो आता है, दिस इज सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज का मतलब है एक ओल्ड एज या फिर एजिंग। सेनेसेंट शब्द का अगर मैं मतलब बोलूँ, तो इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे अब आपकी चीज़ें जो हैं वो मुरझा गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। एक तरीके से सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज और मुरझाई चीज़ों को डिनोट करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलरली इस फेज के बाद सिर्फ डेथ ही बचती है और उसके बाद कुछ नहीं है, द लास्ट ऑफ ट्रुथ ऑफ लाइफ के डेथ है। तो सेनेसेंट फेज क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज फेज है, जहाँ पे अब जो है अब डेथ आने वाली है। इट बिगेन एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज व्हेन डिजनरेशन सेट्स इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज तो खत्म हो रहा है और वहाँ पे डिजनरेशन स्टार्ट हो रहे हैं सेल के। डिजनरेट मतलब खत्म होना और खराब होना। स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जो है सेल्स की खराब हो रही है और उसी की वजह से एक सेनेसेंट या फिर डेथ फेज आने वाला है। सेनेसेंट जो है लास्ट फेज है और अल्टीमेट इट लीड्स टू डेथ। क्लियर है ना। तो ये सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ आई होंगी। समझ आई है तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। नाउ व्हाट इज मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट।
आप बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिए. शब्द क्या है? मोनो. मोनो मतलब कितना होता है? सिंगल, वन. और कार्पल शब्द जो है वो निकल के आया है. अब कार्पल जो है वो वर्ड एक्चुअली में खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसका मतलब है फ्लावर. तो अब यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक ही बार फ्लावर करते हैं, यानी कि ये वो प्लांट है जो सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हैं, मोनोकार्पिक. अब सेम चीज अगर हम वर्ड मीनिंग के हिसाब से जाएं तो पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन. एंड कार्पिक इज अगेन फॉर फ्लावर. तो यानी कि ये वो प्लांट है जो कई बार फ्लावर करते हैं इन वन लाइफ. ठीक है ना, ये सीजन के हिसाब से नहीं, ये उनके पूरे जीवन के हिसाब से है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक साल में एक बार फ्लावर करते हैं, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पूरी जीवन में, पूरे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे, जैसे कि बम्बू प्लांट. नाउ मोनोकार्पिक प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है. अब देखो, पता है फायदा क्या होता है? जब आप नाम का मीनिंग पढ़ रहे हो ना, यानी कि आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो, और जब आप एग्जाम में मोनोकार्पिक अपनी आंखों के सामने लिखा देखोगे, तो आप उससे रिलेटेड चीजें याद करने की कोशिश नहीं करोगे. आपको पता होगा वी हैव टू स्प्लिट दिस वर्ड, हमको ये स्प्लिट करना है वर्ड को, और हमें मीनिंग मिल जाएगा, और ये हमने पढ़ा हुआ है. तो ये बेटर बेनिफिट होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को. पॉलीकार्पिक मतलब होता है एवरी ईयर फ्लावर करते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में. नेक्स्ट, द प्लांट्स आर जनरली एनुअल और बायनियल. या तो एनुअल प्लांट्स होते हैं या फिर बायनियल प्लांट्स होते हैं. और वेरी फ्यू मोनोकार्पिक आर पेरेनियल. पेरेनियल मतलब बहुत सारे सीजन तक जिंदा रहने वाले. जनरली ये एनुअल एक सीजन या दो सीजन तक जिंदा रहने वाले प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पान के प्लांट्स होते हैं. इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो लंबा जीवन होता है जिनका. ठीक है, और मोनोकार्पिक प्लांट जो हैं डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं आफ्टर फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग. ठीक है ना, फ्लावर और फ्रूट बनने के बाद मोनोकार्पिक प्लांट्स मर जाते हैं, उनका जो है एक लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है. पॉलीकार्पिक प्लांट डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग. ठीक है, एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ तो राइस, वीट, रेडिश. अब आप ध्यान से देखना, राइस हो गया, वीट हो गया, रेडिश हो गया, टोमेटो या फिर ये कैरेट वगैरह हो गया, ये सब के सब सीजनल प्लांट्स हैं. जैसे कि राइस और वीट का एक पर्टिकुलर सीजन होता है जहाँ पे हम उनको उगाते हैं. अपार्ट फ्रॉम बम्बू विच इज़ अ पेरेनियल प्लांट, जो काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहता है. इसके एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, ग्रेप और ऑरेंज. आप ध्यान से देखते हैं, जो मैंगो है, ऑरेंज है, इनके पेड़ लगे रहते हैं. गांव में कभी आप गए हों, आसपास कभी देखा हो, तो बहुत सारे पेड़ इनके लगे रहते हैं. पर्टिकुलर सीजन आता है, गर्मियाँ आने वाली हैं, हमको पता चल जाता है गर्मी में आम आएगा. तो इस टाइप से होते हैं एनुअल और बायनियल प्लांट्स के बेसिस, और मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स. नाउ एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लांट है जो इंडिया में पाया जाता है, दैट इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी. वर्ड ध्यान देना, नीला. नीला इज फॉर ब्लू, है ना. एक्चुअली में द फ्लावर जो होते हैं इसके, द फ्लावर आर एक्चुअली इन वाइट इन कलर. ठीक है ना, जो फ्लावर है इनके, सॉरी वॉयलेट हैं. द फ्लावर्स आर इन एक्चुअल वॉयलेट इन कलर, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि वॉयलेट कलर की जगह हमने उसे ब्लू बोला, और इसका नाम हमने नीला कुरंजी रख दिया इसी कारण की वजह से. इसका बॉटेनिकल नेम स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना है. इट फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, यानी कि ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, एक बार इसके फूल निकलते हैं. लास्ट जो इसने फ्लावर किया था वो 2006 सेप्टेम्बर अक्टूबर में किया था. इसके लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. आपने देखा होगा ज्योग्राफी, जिसने बहुत ध्यान से पढ़ी हो, काफ़ी लोगों को बोरिंग लगती होगी. ये है हमारा साउथ इंडिया, यहाँ पे है केरल, दिस इज तमिलनाडु एंड दिस इज कर्नाटक. जो लोग ध्यान से पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा एक्चुअली में माउंटेन्स हैं इस पूरे रीजन में, और जो माउंटेन्स हैं उनका नाम है नीलगिरी हिल्स, है ना. थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान देना, नीलगिरी हिल्स हैं यहाँ पे पूरे एरिया में पाए जाते हैं, और इन तीनों स्टेट की बॉर्डर को एक तरह से कवर करते हैं कुछ इस तरह से. और इसी पहाड़ के ऊपर, इसी जो माउंटेन है उनके ऊपर ये नीला कुरंजी पाया जाता है. ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है. बंबू ऑल्सो फ्लावर वंस इन हिज लाइफ टाइम. 50 से 100 साल का इसका जीवन होता है. ये है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना या फिर नीला कुरंजी,
ये वॉयलेट कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, आप इन चीज़ को देखिए। और इसी वजह से ये फेमस बहुत ज़्यादा है क्योंकि 12 साल में एक बार फ्लावर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स का मतलब है कि एक्चुअली में जो भी प्लांट आप देख रहे हो उसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट उसमें प्रेजेंट है, या फिर सिर्फ एक ही सेक्स का स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट है, उसको हम उसकी सेक्सुअलिटी बोलेंगे। एक्चुअली में जब भी आप पेड़ देखते हो कोई भी एक्स वाई जेड, तब आप उसके बारे में कंपेयर करते हो खुद से और क्या बोलते हो कि क्या इसमें भी मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट होता है या मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक ही प्लांट के अंदर होता है। तो कुछ आप कोई भी एक्स वाई जेड पेड़ देख रहे हो, आपको ये चीज़ ज़रूर इमेजिन होती होगी, ज़रूर आपका ध्यान इस चीज़ की तरफ जाता होगा कि प्लांट में भी हमारे जैसा कुछ होता है, मेल और फीमेल जैसा डिवीज़न, या फिर कोई डिवीज़न इनमें नहीं देखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। मैं आपको देखो एक चीज़ पक्की बता रहा हूँ, जब आप वीडियो ख़त्म करोगे ना उस टाइम तक आपको सब कुछ पूरा डिटेल में आ चुका होगा। तो सिर्फ ध्यान से, छोटा वीडियो रखूंगा, बहुत ध्यान से, पूरा एकदम ध्यान से सुनना, पढ़ना और इसको फोकस करने की कोशिश करना, इमेजिन करना साथ साथ में। मैं बहुत आसान तरीके से याद रखता हूँ, बहुत आसान तरीका, जैसे कि मैंने कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं वो देख लिए हैं, और कीवर्ड्स देख लिए हैं तो दूसरा वाला जो है वो अपने आप याद हो जाता है। स्टार्ट करते हैं, द गैमीट बिलोंग टू द पेरेंट सच एज ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में जो डेफिनेशन है वो ये बोलना चाहती है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि होमोथेलिक हो गया, मोनोशियस हो गया, ये दोनों की दोनों कंडीशंस बायसेक्सुअल कंडीशन को दिखाने के लिए, बायसेक्सुअल कंडीशन को बताने के लिए, डिनोट करने के लिए लिखी जाती हैं। तो मैंने क्या शब्द बोला एक, अभी इस पे डेफिनेशन और उन सब पे ध्यान मत दो, 100% आपको पूरा याद हो जाएगा, टेंशन मत लो आज। क्योंकि देखो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे चैप्टर का, इसलिए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो यहाँ से पढ़ के निकलोगे ना ये हर जगह काम आती है, जब भी सेक्सेस वगैरह की बात चलेगी ये हर जगह पढ़ी जाती है, तो ये बच्चों को समझ में भी नहीं आती है। लेकिन आज मैं इतना सिंपलेस्ट वे में, इतना इजी तरीके से चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि लाइफ टाइम के लिए, अगेन बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए कभी दिक्कत नहीं आने वाली, एक बार पढ़ लो बस। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वर्ड को टारगेट किया, मैंने टारगेट किया बायसेक्सुअल को। तो मैंने क्या किया, बायसेक्सुअल मतलब जो भी होता होगा मैं वो पूरा समझ लूंगा सब कुछ। स्टार्ट करते हैं, बायसेक्सुअल मतलब कितना है, दो, बाय मतलब कितना होता है, दो, और सेक्सुअल मतलब सेक्सेस, यानी कि कितने सेक्सेस प्रेजेंट है इसमें, दो सेक्सेस प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको बायसेक्सुअल बोला गया है। दो सेक्स कौन कौन से हैं, मेल और फीमेल, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जिस भी प्लांट में, जिस भी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे उसको हम बायसेक्सुअल बोल देंगे। सबसे पहले तो यही मैंने इस तरफ लिख दिया। अब ये जो कॉलम हम बना रहे हैं ना ये हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल दोनों जिस भी प्लांट में होंगे, जिस भी फ्लावर में होंगे, फ्लावर में कैसे होते हैं, फ्लावर में चाइना रोज देखा होगा आपने, कुछ इस टाइप का फीमेल पार्ट होता है और इसके बगल से ये मेल पार्ट होता है कि नहीं। मेल भी एक ही फ्लावर में है, फीमेल भी एक ही फ्लावर में है, और जब आप इन दोनों को देखते हो तो भाई साहब बायसेक्सुअल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बायसेक्सुअल को ही हम होमोथैलिक भी बोलते हैं, तो इसी को मैं ऐसा स्लैश मार के होमोथैलिक भी लिख सकता हूं, इसी को ऐसा स्लैश मार के मोनोशियस भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो व्हेन बोथ मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल भी है और उसी प्लांट के अंदर फीमेल भी है, ये तो कुछ अर्धनारीश्वर टाइप का हो गया, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट के अंदर हैं, इस सिचुएशन को हम मोनोशियस कंडीशन बोलते हैं, मोनोशियस कंडीशन बोलते हैं। और एग्जांपल कोकोनट हो गया, मेज हो गया, कोकोरबेटा हो गया, और मोनोशियस यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको, अब देखो बायसेक्सुअल हो गया, होमोथैलिक हो गया, मोनोशियस हो गया, ऑल आर सेम। एक और चीज, अगर मान लो आप एनिमल के बारे में बोल रहे हो, मान लो किसी एनिमल के बारे में आपने बोला है, तो क्या बोलोगे कि अगर दोनों सेक्सेस, दोनों सेक्सेस क्या, जैसे कि मेल और फीमेल, अब जैसे अर्थवर्म की बात करते हैं तो भाई अर्थवर्म को देख लेते हैं। मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि अर्थवर्म में मेल पोर्शन, मेल स्ट्रक्चर जो है ये सेगमेंट में, और फीमेल स्ट्रक्चर इस सेगमेंट में, और इस टाइप से अर्थवर्म चलता जा रहा है और आखिरी में उसका फूड सेटा
और इस टाइप से, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा उसको पोलियो टाइप का हो गया है लेकिन एडजस्ट कर लो। तो मैं कुछ ये बोलना चाहता हूँ कि मेल पोर्शन जो है एक सेगमेंट में है, फीमेल पोर्शन दूसरे सेगमेंट में है, मेल और फीमेल एक ही अर्थ फॉर्म में होता है, इसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं और इसी को हम बायसेक्सुअल भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे इस कॉलम में मैं एक और वर्ड इंक्लूड लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ, हर्माफ्रोडाइट। अब आप पूछोगे सर हर्माफ्रोडाइट शब्द का मतलब क्या होता है? बेटा हर्माफ्रोडाइट शब्द का मतलब ही होता है बायसेक्सुअल कंडीशन। हर्माफ्रोडाइट आप कहीं पे भी मीनिंग देखोगे आपको यही बताएगा कि जिस बॉडी में मेल पोर्शन भी हो फीमेल पोर्शन भी हो उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे, बायसेक्सुअल रट लो। रटना कैसा? रटना मतलब वो वाला रटना नहीं, बायसेक्सुअल मतलब कि दो और सेक्सेस प्रेजेंट हो किसी भी ऑर्गेनिज्म। तो बायसेक्सुअल दिमाग में बैठा लो। बायसेक्सुअल के अलावा ये याद रखना कि चाहे होमोथैलिक लिखा हो, मोनोशियस लिखा हो, हर्माफ्रोडाइट लिखा हो, इन तीनों का मतलब बायसेक्सुअल ही होता है। और इनके एग्जांपल याद कर लो, ठीक है ना? यानी कि जैसे कैसे, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज हर्माफ्रोडाइट, तो हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल स्वीट पोटैटो है, मोनोशियस का एग्जांपल मेज कोकोनट कुकरबिट है, ठीक है, और बायसेक्सुअल होमोथैलिक का एग्जांपल म्यूकर म्यूसिडो है। तो ये सारी चीजें एक ही कॉलम में पड़ रही हैं, इसी वाले कॉलम में पड़ेंगी, ठीक है ना? बायसेक्सुअल अकेला याद रखो और उसका जो भी उल्टा हो, जैसे यूनिसेक्सुअल, जस्ट इसका उल्टा बायसेक्सुअल से ही हो जाएगा, होमोथैलिक का उल्टा हेट्रोथैलिक, मोनोशियस का उल्टा डायोशियस, और हर्माफ्रोडाइट तो है ही अकेला। तो ये चीज ऐसे याद रखा करो, ऐसे कैथोड एनोड में जो कंफ्यूज होते हो, ऐसे ही मैक्सिमम जो आपका पोर्शन है फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, आप एक तरफ की चीज याद रखा करो। एक तरफ की चीज जितनी बेटर याद रखोगे दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। जैसे एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, तो इन चीज़ों में जब आप पढ़ते हो ना तो क्या कन्वर्जिंग है क्या डाइवर्जिंग है कन्फ्यूज करता है, होमोलोगस एनोलोगस ऑर्गन। तो इसमें कोई एक तरफ का याद रखो, दूसरे तरफ का आप छोड़ दो, अपने आप याद हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपको बायसेक्सुअल याद करवाया, होमोथैलिक बोला, मोनोशियस बोला, हर्माफ्रोडाइट बोला, इसका जस्ट उल्टा यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, हेट्रोथैलिक हो जाएगा, मोनोशियस। अब जैसे हेट्रोथैलिक है तो आपको यूनिसेक्सुअल कंडीशन हेट्रोथैलिक जस्ट इसके बगल से लिखना है कि इसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, इसके एग्जांपल याद कर लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे जैसे पाम हो गया, डेट पाम हो गया, पपाया हो गया, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल में आप देख लो, इस तरफ हेट्रोथैलिक लिख लो, डायोशियस लिख लो, तो डायोशियस के नाम पे कई बार इनके एग्जांपल भी आते हैं, लिख देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर डायोशियस, डेट पाम, पाम और ये पपाया, ठीक है ना? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि एक ही तरफ का आप पूरा याद रखो, बायसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोशियस, हर्माफ्रोडाइट, ये सब के सब एक ही है, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, आप ये जरूर यूज करके देखना। आपका जो कंफ्यूजन है दो सेम कैथोड और एनोड में और एनाइन कैटाइन इनमें भी यूज करके देखना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये ट्रिक आपको काम करती है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। Hi, my name is Ashish Parashar. Welcome to Magnet Brains. इस लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो अकर होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू थ्री पार्ट्स। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, तो तीन पार्ट्स में मैंने अगर उसे डिवाइड किया है तो देखो ध्यान से, सिंपल है ये पोर्शन, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल है, एक बार में समझ में आने वाला है। तो इवेंट्स की अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो कुछ इस तरह से आप इवेंट्स देखना। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के पहले की चीजें जो है, जो भी इसमें हो रहा होगा, एक्स वाई जेड में, जैसे कि मैं बोलूं गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन जो है वो सबसे बेसिक यहां पर आप देखोगे, जिसको हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। तो गैमिटोजेनेसिस जो है वो यहां पे होती है सबसे पहले, सेकंड जो है वो दैट इज फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब आप देखते हो, यानी कि मेल और फीमेल गैमिट जो है वो कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज जायगोट। एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, दैट इज जायगोट आगे डेवलप होगा एंड दे आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं यहां पे, यानी कि ये जो जायगोट है फर्दर डेवलप इनटू
further develop into embryo or by the process of mitosis, यानी कि ये जो है ये particular कई बार divide होगा और embryo बनाएगा. तो ये broad terms में मैं divide करता हूँ, तीन terms में, ये तीन stages में divide होता है, तीन events में divide होता है. Pre-fertilization यानी कि gamete formation होता है इसमें, fertilization and post-fertilization events. ये actually में काफ़ी important है, important in terms में कि इनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. समझना ज़रूरी है इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट करते हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहला वही पढ़ते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन में गैमिटोजेनेसिस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट वर्ड से गैमिटोज निकल के आया, और जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्ट करना, प्रोड्यूस करना, उसे फॉर्म करना. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, दिस इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस. नेक्स्ट इज गैमिट ट्रांसफर. अब क्या होता है गैमिटोजेनेसिस में, अब मान लो एक मेल बॉडी है और एक फीमेल बॉडी है. जो मेल गैमिट है इसके अंदर बन चुके हैं, फीमेल गैमिट इसके अंदर बन चुके हैं. फर्टिलाइजेशन तब होगा जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे. लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो स्पर्म जो है मेल बॉडी में बन चुका होता है और एग जो है फीमेल बॉडी में बन चुका होता है. व्हेन देयर इज कॉपुलेशन और व्हेन देयर इज इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म का जो ट्रांसफर है फीमेल बॉडी में, तभी तक फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है. इसी तरह से इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी एनिमल, तो किसी भी एनिमल में हम बात करें तो स्पर्म या फिर मेल जो एक्स वाई जेड, आप कुछ भी गैमेट ले सकते हैं, कोई भी नाम बोल सकते हैं. अगर आप प्लांट की बात कर रहे हैं तो पोलन ग्रेन. अच्छा एक्चुअली में क्या है ना, ये जो गैमेट ट्रांसफर वाली बात है ना, ये पोलन ग्रेन के मेथड से सबसे ईजिली समझ में आती है, ये एक फैक्ट है. जैसे कि मैं बताऊं, पोलन ग्रेन जो है वो आपका जो मेल पोर्शन है उसमें बन चुका है, फीमेल पोर्शन में जो आपके ओव्यूल्स हैं वहां जाके उसे एग सेल बन चुका है, उसे फर्टिलाइज करना है. तो जब पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएगा, यानी कि गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, गैमेट ट्रांसफर हो रहा है. क्यों ट्रांसफर हो रहा है? ताकि वो फीमेल पार्ट तक पहुँच सके, फीमेल गैमेट तक पहुँच सके और फर्टिलाइजेशन कैरी आउट कर सके. ठीक है, तो द टू गैमिट्स मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर फर्दर इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स है, मेल और फीमेल गैमिट जो हैं वो फर्टिलाइज करेंगे और जायगोट बनाएंगे, यही इसका एंड रिजल्ट है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट. इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टुक प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड दैट इज, सबसे पहला होगा जायगोट का प्रोडक्शन. नाउ एनसीईआरटी ने जायगोट को कुछ इस टर्म्स में डिस्क्राइब किया है कि मैं 100% श्योर हूँ इसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं वो 100% एमसीक्यू में एक ना एक दिन पूछी जाने वाली. देखो कैसे, जायगोट अ डिप्लॉयड जायगोट इन फर्टिलाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ये तो एक्चुअली में सिंपल लाइन है, लेकिन स्टिल इसकी इंपॉर्टेंस है. सिंपल हो ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी की है तो आ सकती है. क्या लिखा है इसमें कि फर्टिलाइजेशन होना और जायगोट बनाना, ये जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका यूनिवर्सल फीचर है. इस दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, जायगोट बनाएंगे. सेकंड चीज, इट इज़ द वाइटल लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन. ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन पूछी जा चुकी है, एंड आई होप ये वाली लाइन को फिर से वो लोग यूज़ करेंगे. एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करूँ तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में जब आप इस डायग्राम को फोकस करोगे आपको चीज़ें एक बार में समझ आएंगी. ये फीमेल बॉडी है, इसके अंदर एग बनेगा, मेल बॉडी है, स्पर्म बनेगा, दोनों एग बन गए, स्पर्म बन गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्लीट गैमिटोजेनेसिस. जो गैमिट फॉर्मेशन है पूरा हो चुका है. इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है गैमिट ट्रांसफर. गैमिट ट्रांसफर जो है ह्यूमन ने इस तरीके से किया, दोनों फ्यूज हुए और यहाँ पे जायगोट बनाया, दिस इज फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ जाएंगे. अब आप बोलोगे सर फिर फर्टिलाइजेशन प्रॉपर कहाँ गया? एक्चुअली में जैसे ही दोनों फर्टिलाइज हो रहे हैं उस स्टेज को फर्टिलाइजेशन बोला, यानी कि ये एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्टेज है, बहुत ही छोटी स्टेज है. और तुरंत फ्रॉम द सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जैसे ही दोनों फ्यूज हुए जायगोट बना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में उसको एंट्री दे दी गई कि उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे. तो इस तरह से बेसिक चीज़ें हैं, डायग्राम याद रखना एक बार में समझ आएगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक करें. थैंक यू. हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जो शब्द है
वो खुद ही अपने आप में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल, यानी कि बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होगा, दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब मैं बात करूँ इट अगर आउटसाइड द बॉडी, ऑब्वियस सी बात है बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्सटर्नल, और अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब कि मेल और फीमेल गैमीट जो है किसी की बॉडी के अंदर फ्यूज हो रहे हैं, तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट वन इज बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी। अब एक्सटर्नल है, ऑब्वियस सी बात है दोनों गैमीट्स को बॉडी से रिलीज करना पड़ेगा, जबकि अगर मैं इंटरनल बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गैमीट रिलीज होगा और दूसरे जो सेक्स है, दूसरा जो गैमीट है उसके पास तक पहुँचेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं प्लांट्स की बात करूँ, तो गैमीट ट्रांसफ़र अभी मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, वहाँ पे मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि क्या होता है जो मेल पोलन ग्रेन है वो बन चुका है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे जो फीमेल गैमीट है एग सेल है उसके पास। तो यहाँ पे एक जो गैमीट है वो ट्रांसफ़र हुआ है, दोनों नहीं हुए, यहाँ पे दोनों हुए। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज नंबर ऑफ गैमीट आर रिलीज्ड। नाउ व्हाट इज़ द सेंस ऑफ रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, क्या होता है ये कोई सर्टेन प्रोसेस नहीं है, ये एक बोलते नहीं तुक्का मारना टाइप का है। जैसे कि आप मेले में खेलने जाते हो तो मेले में आप क्या करते हो, गन वाला वो खेल रहे हो या निशाने मारने वाला खेल, तो उसमें आप बल्क ट्राई करते हो कि जैसे कि मुझे चांस 8 मिले 10 मिले, तो 10 में से किसी ना किसी एक चांस में तो गोली लगी जाएगी। तो इसी टाइप का कुछ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए आप एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक मेल जो है अपना स्पर्म रिलीज कर देगा पानी में, फीमेल जो है एग रिलीज कर देगी, दोनों बाय चांस है फ्यूज़ हुए तो फर्टिलाइजेशन होगा वरना नहीं होगा। अगर ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट मेथड में बोलूँ, शॉर्ट शॉर्ट मतलब क्या होता है कि 100% हो सकता, 100% भी ऐसे नहीं, अब मेल में भी हर बार थोड़ी ना हो जाता है, ह्यूमन बीइंग में भी हर बार थोड़ी ना हो जाता है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा बेटर मेथड, ज़्यादा रिलायबल मेथड की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला। एक्सटर्नल वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट रिलीज हो रहा है, रैंडम है, शायद हुआ वरना नहीं होगा, और इसके चांसेस फ्यूज़ होने के बहुत कम रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर जो एनिमल्स होते हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं, जबकि मैं यहाँ करूँ नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस इज़ लेस, कम गैमेट प्रोडक्शन की ज़रूरत है। मेल जो है वो जनरली मेल गैमेट जो फीमेल बॉडी है वहां तक पहुंचता है। द यंग वन डेवलप अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि अब फ्यूज हुआ, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो, या फिर मान लो लार्वा आर्वा बन रहा है। तो जैसे मान लो पानी का एक इमेजिन करना, खुद ही इमेजिन करो एक शैलो वाटर है, वहां पे जो मेल और फीमेल गैमीट है बाई चांस फ्यूज भी हो गए, एम्ब्रियो भी बन गया, तो जैसे ही बना या तो वो एग में बनेगा या तो मान लो वो ऐसे ही ओपन पड़, तो जैसे ही बनेगा वो प्रोन होगा, उसको कोई भी जो प्रेडेटर है वो आके खा लेगा। लेकिन अगर वहीं मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करूं, या बेनिफिट है, बेनिफिट कैसा है कि भाई क्या होगा, जो प्रोटेक्टेड है बॉडी के अंदर, जिस भी बॉडी के अंदर इंटरनल है, कोई ना कोई एक बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, जिस भी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है वहाँ वो एटलीस्ट सेफ तो रहेगा, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होंगी, कुछ तो फ़ायदे होंगे। तो ये ज़्यादा बेटर और मोर एडवांस तरीका है। इट इन्वॉल्व अ लार्ज डिग्री ऑफ चांसेस, ठीक है ना, यहाँ पे कई सारे चांसेस हो सकते हैं, ये श्योर मेथड है। श्योर मेथड मतलब ज़्यादा ये चांसेस पे ऐसा है, मतलब कि बहुत सारे चांसेस, बहुत बार गैमिट्स रिलीज होंगे उनमें से एक बार फर्टिलाइजेशन होगा, ये इसकी श्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेवल है। अब ह्यूमंस में भी कई बार रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है हर बार चाइल्ड ही हो, लेकिन स्टिल इससे तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एक्वाटिक होते हैं, बोनीफिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, और ज़्यादातर अलगी हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात, रेप्टाइल बर्ड मैमल्स हो गए, ब्रायोफाइट हो गए, ट्रैकियोफाइट्स हो गए, तो यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये बेसिक वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे हमने दो अलग टाइप के फर्टिलाइजेशन को कंपेयर किया। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर लाइक करें, थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम एक और डिफरेंस पढ़ेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस एनिमल्स एंड वीवीपेरस एनिमल्स। बहुत सिंपल तरीका, स्टार्ट करते हैं। फीमेल्स ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग, दे आर कॉल्ड ओवीपेरस एनिमल्स। एग जो होता है वो ओ शेप का ही होता है, इस शेप का होता है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत पुराना तरीका है ओवीपेरस एनिमल्स को याद रखने का, कि ओ मतलब एग, जो एग ले करते हैं, जो कि एग हो सकता है फर्टिलाइज्ड हो या अनफर्टिलाइज्ड हो, तो जो एग ले करते हैं उनको हम ओवीपेरस एनिमल बोलते हैं, और जो यंग वन को, एक नवजात बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, दे आर वीवीपेरस एनिमल्स।
एग जो है सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो एग होता है उसके आसपास आपने देखा वो व्हाइट कलर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो उनको हम ओवीपेरस में, और आप प्रोटेक्टिव कवरिंग इज एब्सेंट अराउंड द एग। अगर वीवीपेरस की हम बात करें, सवाल ये उठता है प्रोटेक्टिव कवरिंग की जरूरत क्या है। जब आप ओवीपेरस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होने का कारण ये है कि एक्चुअली में यंग वन जो है उनका, उसके अंदर सर्वाइव कर सके, उसको प्रोटेक्शन मिलने के लिए वो वाइट कलर का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। अगर मैं वीवीपेरस की बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी है वो अपने अंदर ही उसे प्रोटेक्ट करे हुए है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप खुद ही देखो, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड जो एग है, यानी फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद एग ले कर दिया गया है, एग बॉडी से अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑब्वियस है बॉडी के बाहर होगा, लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, इवन मैं कहूँ जो प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म है या फिर लार्वा तक की स्टेज है, वो पूरी बॉडी के अंदर ही होगी, ठीक है ना। और एम्ब्रियो तो ऑब्वियस सी बात है, एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर ही बनेगा। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द फूड रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टोर्ड इन द एग, आपने देखा होगा जब भी एग को हैच करके तोड़ के उसे ब्रेक डाउन कर, तो जैसे ही वो अंडा टूटता है उसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली में जो उसका ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर रह रहा है उसका फूड होता है, उसका स्टोर फूड मटेरियल होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो फूड रिक्वायरमेंट है, डेली नीड है, या फिर जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है, वो पूरा का पूरा मदर की बॉडी से ही कंटिन्यूस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो एक मदर है और उसका चाइल्ड है, तो मदर की बॉडी ही जितना भी उसका नरिशमेंट है, जितना भी उसको वेस्ट रिमूवल करना है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो पूरा मदर की बॉडी टेक केयर करती है, इस बात का ध्यान रखती है। लेकिन एग में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। एग में जो ऑर्गेनिज्म है उसको बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव एग के अंदर रख दिया जाता है, और उसका जो स्टोर फूड है वो वहीं रखा रहता है, उसी को कंज्यूम करके एक दिन उसे हैच करके वो ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है। फीमेल ले एग्स इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट बट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस। नाउ व्हाई द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस, इसलिए क्योंकि अंडा है कहीं भी छोड़ दिया एक्स वाई जेड, जैसे बर्ड्स की बात करें लेट्स से, या फिर रेप्टाइल की बात करें, तो एग रखा है कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा। बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कोई उसका जो एक्स वाई जेड उसको प्रे बना ले, उसको कोई भी आके खा ले, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो यंग वन है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड है, सेफ है, इसलिए यहाँ सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग लेइंग मैमल वैसे भी एक ही है, तो इसका ज़्यादा ऑर्निथोरिंचस की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैमल्स इसका एग्जाम्पल हैं। और इनकी मैं बात करूँ तो बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और एग लेइंग मैमल्स, सिर्फ एक ही एग लेइंग मैमल है एनिमल किंगडम, जब आप पढ़ोगे पता चलेगा, ऑर्निथोरिंचस है, ब्लैक बाइल प्लेटिपस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्लेटिपस एक्चुअली में क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर क्लॉका जो है दोनों में होता है, रेप्टाइल में भी होता है, मैमल में भी होता है, और ये मैमल में एक्चुअली में जो प्लेटिपस है सिर्फ उसके अंदर होता है। ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल हैव फीचर्स या फिर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोथ द किंगडम, या फिर जो एक लिंक पूछ लेते हैं, या फिर आप मान लीजिए इनकी सिमिलैरिटी पूछ लेते हैं, या फिर आप इनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्लॉका के ऊपर हो गया, कौन एग देता है मैमल, या कौन सा मैमल है जिसके फीचर्स रेप्टाइल से रिलेटेड होते हैं, तो प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंचस इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। थैंक यू। हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम समझेंगे पार्थिनोजेनेसिस को या फिर वर्जिन बर्थ को। नाउ पार्थिनोजेनेसिस इज बीइंग कॉल्ड एज वर्जिन बर्थ, व्हाई? अगर मैं बात करूं पार्थिनोजेनेसिस की, तो शब्द जो है वो एक्चुअली में समझाने की कोशिश कर रहा है। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, और यहाँ पे अगला वर्ड है पार्थिनो। पार्थिनो मतलब यहाँ पे कि सिंगल एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, और ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्टार्ट करते हैं। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस मतलब होता है कि नेचुरली अकर हो रहा है, हमने उसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं मिलाई हैं। फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल भी होता है, हमने कुछ केमिकल की मदद से करवाया है, कुछ और मीन से हमने करवाया है, तो वो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा।
Now, if we talk about natural parthenogenesis, the female gamete undergo development to form new organism. Jo female gamete hai, wo develop hoga aur naya organism bana lega. This is similar phenomena as asexual reproduction. ठीक है ना, एक तरीके से asexual का ही एक part parthenogenesis आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो female gamete develop होगा और नया individual बना लेगा. This is parthenogenesis. Example अगर मैं बात करूँ, ये सारे के सारे example आपके लिखे हुए हैं NCERT में और आपको as it is याद होने चाहिए, क्योंकि NCERT मतलब NCERT, rotifers, honeybee, some lizards and turkey. Next is, इसके types हैं complete parthenogenesis, incomplete parthenogenesis and pedogenetic parthenogenesis. All are waste of time. आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनके बारे में पढ़ने की, मैं खुद बोल रहा हूँ. फॉर अब ये वही वाली बात होती है कि आपको नोट्स देने हैं फॉर कंप्लीशन पर्पस के पूरा सिलेबस करवाया गया है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, वरना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको ये चीज़ें पढ़ने की. कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ, इट अकर इन दोज एनिमल्स विच ब्रीड एक्सक्लूसिवली बाय पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि उनके पास और कोई तरीका नहीं है. एग्जाम्पल कॉकेशियन रॉक लिजार्ड, इनकम्प्लीट, जो उन एनिमल्स में पाया जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस दोनों साइड बाय साइड एग्जाम्पल प्रेजेंट हैं. पीडोजेनेटिक, व्हेन पार्थिनोजेनेसिस अकर इन लार्वा, लार्वा के अंदर जब पार्थिनोजेनेसिस होता है. वैसे भी पीडो शब्द का मतलब एक तरह से चाइल्ड रिलेटेड, आप बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, तो इसी टाइप से चाइल्ड से रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे अगर लार्वा से पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है, दिस इज पीडोजेनेटिक. ओके, नाउ इफ यू टेक द एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने, यहाँ पे टर्की और हनीबी का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो इन लोगों के अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोर करेक्ट लैंग्वेज पार्थिनोजेनेसिस देखा जाता है. नाउ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं. इट इज़ अ सिंपलर एंड ईजियर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन एज लाइक एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये रैपिड मेथड है. ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी यही फायदे थे. परमिट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिप्लॉयड एंड एन्यूप्लॉयड क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशंस, इसमें या तो ट्रिप्लॉयड या एन्यूप्लॉयड क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं. पार्थिनोजेनेसिस इज अ मीन्स ऑफ सेक्सुअल डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम एनिमल्स, जैसे कि हनी बी. ठीक है ना, पार्थिनोजेनेसिस की मदद से ही सेक्सेस जो है इनके डिवाइड होते हैं, और ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को भी सपोर्ट करता है. नॉट सो इम्पॉर्टेंट ये लाइन, फिर भी आप एक बार को ये पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. सेम एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिसएडवांटेज ये है कि ये वेरिएशन नहीं होने देगा. मैंने पहले ही बताया था, जितने भी एसेक्सुअल मेथड हैं, कोई भी वेरिएशन को फेवर नहीं करता है, परमिट नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई एवोल्यूशन इज नियरली इम्पॉसिबल इन ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स. तो आई होप आपको ये शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा. अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर अप्रिशिएट करें. अगर ये वीडियो पसंद आया, इसको ज़रूर लाइक करें. थैंक यू.